चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका प्रॉपर्टीज कोचिंग देहरादून में। तो आज हमारा प्लेन टेबल सर्वे का लेक्चर है। जितने भी अमीन के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी से जल्द जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर लिए। आज प्लेन टेबल सर्वे चलेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि प्लेन टेबल सर्वे की जो थ्योरी वाला पार्ट है वो पूरा कम्प्लीट आज ही हो जाए, और जो भी इसके क्वेश्चन वगैरह रहेंगे फिर वो हम एप्लीकेशन में कर लेंगे, ठीक है। जो भी पेड कोर्स में जुड़े हुए बच्चे हैं तो कल से वैसे भी क्लास उसी में चलने वाली है। चलिए, तो इससे पहले थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट हो जाए कि आपकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, तो एसएससी जेई का आपके बैचेस चल रहे हैं एप्लीकेशन में। प्री और मेंस की क्लासेस चल रही हैं। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एसएससी जेई बैचेस में इंटरेस्टेड हैं या आरआरबी जेई की वैकेंसीज अब आने वाली हैं पेपर वन की, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस भी एप्लीकेशन में शुरू हो गई हैं, ठीक है। बाकी कॉलेज सेमेस्टर के जो हैं उनकी वो रिकॉर्डेड क्लासेस दे सकते हैं, क्योंकि जो लाइव क्लासेस चलती हैं वो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए चलती हैं, वो रिकॉर्डेड क्लासेस दे सकते हैं, ठीक है। उनके जो पैटर्न के हिसाब से, कम एग्ज़ाम के हिसाब से क्लासेस अलग से अरेंज करी हुई हैं, ठीक है। बाकी अगर आप अमीन आईटीआई ड्राफ्ट्समैन सर्वेयर की तैयारी कर रहे हैं या आप एई के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एई का थोड़ा फोल्डर अलग है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो एई वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको जेई वाली क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस उनका ज़्यादा होता है, ठीक है, उनकी क्लासेस सेपरेट चलती हैं। चलिए, तो ये तो थोड़ा अपना प्रचार था, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लेन टेबल सर्वे। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। संतोष, कोई बात नहीं, आप ऐप में ही कराओ। हाँ, सारी क्लासेस एप्लीकेशन में ही चलेंगी, ठीक है। YouTube में बस कुछ कारणों से इस दो दिन की क्लासेस थी, ठीक है। वैसे भी कल से YouTube में मुझे मैथ्स की क्लास चलानी है। चलिए, जितने भी लोग जुड़ गए हैं सभी को गुड इवनिंग। अमन, प्रशांत, संतोष, लक्ष्मी, ठीक है, शुरू करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। प्लेन टेबल सर्वे बहुत ही इजी टॉपिक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे, जितनी थ्योरी हम आज करेंगे अप्रॉक्सीमेटली सारे क्वेश्चन आपके वहीं से बन जाते हैं, ठीक है, आपको सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्ते शैलेश। चलिए शुरू करें। देखिए, अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने चेन सर्वे किया था। चेन सर्वे मतलब जरीब सर्वेक्षण किया था और कंपास सर्वे किया था। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं बार बार बोलता था कि ऑफिस, जब हम फील्ड में रहते हैं तो हम सिर्फ मेजरमेंट करते हैं, अपनी फील्ड बुक में उन रीडिंग्स को नोट करते हैं, लेकिन जब हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होती है तो फिर वो सारा ऑफिशियल काम होता है। जब प्लॉटिंग करनी होती है, ड्राइंग बनानी होती है, नक्शा बनाना होता है, तो वो सब ऑफिस में बैठ के बनाते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितने भी काम आपने किए, यहाँ पर आपके ऑफिशियल काम और फील्ड के काम अलग अलग हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जो एक ग्राफिकल मेथड है। प्लेन टेबल सर्वे क्या है? एक ग्राफिकल मेथड है। और यहाँ पर आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना भी काम है वो सब साइट में हो जाता है, ठीक है। अंत में हमको प्लॉटिंग करनी थी, यानी कि हमको नक्शा बनाना था। जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, वहाँ का हमको नक्शा बनाना था, ठीक है। तो नक्शा डायरेक्टली क्यों ना आप फील्ड में जाके बनाया जाए, ठीक है, ताकि फील्ड में आपको जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आप नक्शे में दर्शा सकते हो, और जो भी एरर्स के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ आपके सामने साक्षात है वही आप नक्शे पे बना रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखोगे तो आप प्लॉटिंग, ठीक है, प्लॉटिंग का मतलब ड्राइंग बनाना और ऑब्जर्वेशन, प्लॉटिंग और ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लॉटिंग को प्लॉटिंग ही बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन को आप अवलोकन बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों काम एक साथ होते हैं, ठीक है, एक साथ का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो अगर आप मीडियम से स्मॉल स्केल के मैप बनाना चाहते हैं तो आप प्लेन टेबल सर्वे को प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, आज की क्लास और जो कल की क्लास थी वो भी एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगी, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो जैसे ही थोड़ा वीडियो को प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो क्योंकि कल की क्लास 7-8 बजे तक चली थी तो रात भर पर टाइम नहीं लग पाया, ठीक है, प्रोसेस ही नहीं हो पाई थी वैसे तो। चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या डेफिनेशन अगर आपको नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसा मेथड है हमारे पास? प्लेन टेबल सर्वेइंग इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच प्लॉटिंग एंड ऑब्जर्वेशन वर्क इज डन एट सेम टाइम। यहाँ पर आप क्या करोगे, आपकी ग्राफिकल विधि या ग्राफीय विधि है जिसमें प्लॉटिंग और अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन का काम एक साथ होता है, ठीक है। अगर आप स्मॉल और मीडियम स्केल के मैप बनाना चाहते हो जिनका
जो रेशियो है वो 1:10,000 से लेके 1:25,000 तक, 2.5 लाख तक वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इस स्केल की अगर आप मैपिंग करना चाहते हो तो आप प्लेन टेबल सर्वे को आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। आज जिन बच्चों को स्केल नहीं पता, तो अभी हमारा जो स्केल वाला टॉपिक है, ठीक है, जो अमीन वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो फर्स्ट चैप्टर में ही हो जाता है, ठीक है। जब हम चेन सर्वे पढ़ते हैं तो चेन सर्वे से पहले ही आपका स्केल आ जाता है, ठीक है। जो अमीन वाले बच्चे हैं उनका जो सिलेबस है उसमें स्केल जो आएगा वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आएगा, तो वहाँ पर आपको इसमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर आपका किसके बराबर है, 10,000 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। यानी कि आपने जो नक्शा बनाना है तो फील्ड में जो आपको 10,000 सेंटीमीटर वाली चीज़ है वो आपको नक्शे में बस क्या दिखानी है, 1 सेंटीमीटर की दिखानी है। तो नक्शे बनाने के लिए, ठीक है, मैप बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, क्लियर। किसका यूज़ करेंगे, नक्शे बनाने के लिए हम प्लेन टेबल सर्वे का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी ऑटो कैड वगैरह से किसी को कुछ काम होगा तो संतोष नेगी हमारे जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि आपका ओवरऑल जो सर्वे का प्रिंसिपल होता है, तो सर्वे का प्रिंसिपल होता है होल टू पार्ट, ठीक है, होल टू पार्ट, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। ऐसे ही मैंने आपको बहुत सारे प्रिंसिपल सिद्धांत लिखाए हैं। चेन सर्वे का सिद्धांत क्या है, चेन सर्वे का सिद्धांत है आपका ट्राइंगुलेशन। कंपास सर्वे का सिद्धांत क्या है, ट्रेवर्सिंग। वैसे ही प्लेन टेबल का सिद्धांत भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, ये तो मैं आपको लिखा चुका हूँ कॉपी में पीछे। तो प्लेन टेबल का सिद्धांत क्या होता है, ये होता है पैरेललिज्म, पैरेललिज्म, ठीक है, यानी कि आप इसको समांतरण कह सकते हो, ठीक है, समांतरण आप इसको कह सकते हो। अब इसमें करते क्या हैं, तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। अब मुझे इसे नक्शे में दिखाना है, ठीक है, नक्शे में दिखाना है, तो नक्शे में जब मैं इसको दिखाऊंगा तो ये कैसे दिखाई जाएंगे, स्केल चेंज हो जाएगा, लेकिन दिखेंगे ऐसे ही, दिखेंगे ऐसे ही। यानी कि यहाँ पर आपके जो भी फर्स्ट स्टेशन से आप जैसे जैसे आगे चलते रहोगे, ये सारी जो रेखाएँ हैं ये आपस में, यानी कि ओरिजिनल, यानी कि वास्तविक फील्ड में, ठीक है, ये तो फील्ड है, ग्राउंड है, ग्राउंड की जो ए बी लाइन है और नक्शे में जो ए बी लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल आपको दिखाई देंगी, समांतर आपको दिखाई देंगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पेड़ है, ठीक है, अगर आप एक लाइन ऐसी बनाते हो तो नक्शे में भी आपकी सेम टू सेम ऐसी ही बनेगी, बस क्या होगा, इसकी लेंथ छोटी होगी, ठीक है, किसी दूसरे स्केल में होगा, क्लियर। अमीन वाला फॉर्म डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, नहीं। सूरज जी लंच हो गया जी, बिल्कुल, लंच अब सीधे रात को ही होता है, ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट और रात को लंच, यही दो चीज़ें होती हैं प्राइवेट लाइफ में, यही दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। या तो आप सुबह का नाश्ता नहीं कर पाओगे या रात का खाना, एक खाना छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगते हो तो 3 टाइम का खाना अच्छे से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है, तो थोड़ा डेफिनेशन भी नोट कर लेते हैं। तो प्लेन टेबल इज ऑलवेज प्लेस्ड इन एवरी स्टेशन पैरेलल टू द पोजिशन इट ऑक्यूपाइड एट द फर्स्ट स्टेशन, ठीक है, यानी कि समतल पेज को हर एक स्टेशन से आप हमेशा उसके द्वारा प्रथम स्टेशन से अधिकृत स्थान के समांतर रखा जाता है। तो आसान भाषा में आप कहो तो यहाँ पर हमारी जितनी भी लाइन्स हैं, ठीक है, जो आपके एक्चुअल में बन रही हैं और जो नक्शे में बन रही है, सब एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो क्या सिद्धांत हो जाएगा, पैरेललिज्म सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, मैंने ITI ही बोला था, ठीक है, मैंने डिप्लोमा तो बोला भी नहीं, मैंने बोला था ITI वाले अलाउड हैं। चलिए, नमस्कार महादेव, ठीक है, तो आज थियोरेटिकल सेशन है, ठीक है, आज ऑब्जेक्टिव सेशन नहीं है। प्लेन टेबल सर्वे की हम सबसे पहले बात करते हैं, तो आपके इस तरीके से आपका प्लेन टेबल सर्वे, आपको प्लेन टेबल सर्वे में इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे। मैं सबके नाम आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ठीक है, ये बबल ट्यूब है, ठीक है। सबसे पहले तो हम प्लेन टेबल को ही देख लेते हैं, ये टेबल है एक, ठीक है, जो समतल है इसी को प्लेन टेबल बोलते हैं, नाम है इसका जॉनसन टेबल, अलग अलग साइजेस में आता है ये, ठीक है। हमारे एग्जाम में, वैसे हमारे एग्जाम में जो बी नॉट, आपने B0 B1 B2 B3 B4 वाले साइज आते हैं, मगर हमारे एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं उनको नहीं लिखाऊंगा आपको, ठीक है। आप चाहो तो इस साइज को भी ना लिखो, आपके एग्जाम में बस एक ही साइज पूछा जाता है आपसे जॉनसन टेबल का, वो है 750x600x15 mm, ठीक है, 750 इसकी लंबी साइड है, ये साइड आपकी इसकी 750 mm हो जाएगी,
सेंटीमीटर में लिखना हो तो 75 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो इसकी चौड़ाई है, लंबाई तो ये होगी, चौड़ाई कितनी होगी आपकी, 600 mm हो जाएगी, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कभी साइज आता है तो आपको यही वाला साइज बताना है, 750x600 वाला, ठीक है। और 15 mm जो है वो इसकी थिकनेस है। तो ये आपका प्लेन टेबल है, क्लियर, ये आपका प्लेन टेबल है। अगर हम आगे देखें तो प्लेन टेबल के साथ आपको और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये आप देख रहे हो, ये एलिडेड है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, एलिडेड। और आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, प्लेन टेबल के साथ एलिडेड है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है इसे हम बोलते हैं बबल ट्यूब, ठीक है, बबल ट्यूब। यहाँ पर अगर आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, इसे हम बोलते हैं ट्रफ कंपास। तो ये सब मैं एक एक करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ट्रफ कंपास। और ये आपका प्लम्बिंग फोर्क या यू फोर्क होता है, सबके अपने अपने पर्पज़ होते हैं कार्य में, ठीक है। और ये जिसके नीचे टिका हुआ है आपका इंस्ट्रूमेंट, इसे बोलते हैं ट्राईपॉड, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सब चीज़ों को देख लेते हैं। प्लेन टेबल के ऊपर हमें ड्राइंग बनानी है, ड्राइंग बनाने के लिए एलिडेट का सबसे महत्वपूर्ण यूज़ होता है। यहाँ पे एलिडेट के ऊपर ही, एलिडेट को ही ड्राइंग शीट के ऊपर रखा जाता है, और जो भी ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हो उसकी तरफ आप किरणें यानी कि लाइंस बनाते हो, ताकि और उसी आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा टेप या चेन भी का, वैसे चेन का तो नहीं पर टेप का यूज़ कर सकते हो आप, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो ना वहाँ तक की डिस्टेंस भी आपको नापनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर उसे छोटे स्केल में चेंज करके, मतलब अपने स्केल में चेंज करके अपने नक्शे में आप बना सकते हो। चलिए तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाले हैं वो है जॉनसन टेबल। जॉनसन टेबल में जो साइज़ आपको ध्यान में रखना है वो है 750x600x15 mm, ठीक है। बढ़े आगे, अब ड्राइंग की बात करते हैं। तो ड्राइंग शीट, जाहिर सी बात है ड्राइंग शीट का यूज़ करना है। कमेंट सेक्शन में ज़रा बताएंगे कौन कौन से आपने, सर हमसे नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे जिनकी भाषा समझ में नहीं आएगी, ठीक है। हाँ सामान्य क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे कोई बहुत खतरनाक सवाल नहीं आते, फिर भी मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करा रहा हूँ। चलिए ड्राइंग शीट की बात करते हैं, ठीक है। थ्योरी क्लास है तो इसको हम ज़्यादा स्पीड में नहीं कर पाएंगे, ठीक है, थ्योरी क्लास को थोड़ा थ्योरी तरीके से ही रखेंगे। ऑब्जेक्टिव सेशन में हम बढ़ सकते हैं, थ्योरी में तो अभी मुझे ऐसा पढ़ाना पड़ता है कि हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसने फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ रहा हो, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि कौन सा स्टूडेंट किस तरीके से, कौन सा स्टूडेंट एक्सपीरियंस्ड है, कौन सा स्टूडेंट आपका पहले पढ़ा हुआ है, कौन सा पहले नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा इस हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। चलिए जैकेट उतर गई है, डिस्टर्बेंस हो रहा था पढ़ाने में। हाँ भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए आपने कौन सी ड्राइंग शीट यूज़ की थी कॉलेज में। तो A2 यूज़ की थी आर्मी रेवल लवर ने, ठीक है, A0 का साइज़ दे दिया है IM पहाड़ी ने, ठीक है। कोई एक पेपर, कोई एक साइज़ आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है, कोई एक साइज़ तो रट लेते हैं। देखिए नॉर्मल ज़िंदगी में मैं A4 शीट का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो मुझे वो साइज़ याद है, ठीक है, A4 शीट का जो साइज़ है वो मुझे याद है। अगर आप इस तरीके से रखते हो तो 297x210, ठीक है, 297x210, ये साइज़ आप याद कर सकते हो, ये तो याद होना ही चाहिए। आम तौर पे आम जिंदगी में हम ये यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि पेज, क्योंकि मेरी कॉपी A4 साइज़ की है, ठीक है। तो चलो मैं ऐसे याद करता हूँ इसको, ठीक है, मैं इस तरीके से याद कर रहा हूँ, 210x297, ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, लेंथ इन टू ब्रेथ, जो भी आप बोलना चाहो। तो इसको तो मैं रट्टा मार रहा हूँ, ये है 210 mm, ठीक है, सब कुछ mm में है, इंटू 297, ठीक है, क्लियर। सारे डायमेंशन किस में है, mm में है। तो एक साइज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, एक साइज याद करना पड़ेगा। हाँ ले लो, ठीक ठीक ठीक, बस बस बस, ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, ठीक है, अब A4 के बाद आपको A3 पे जाना है, तो इसका तो डबल कर दोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका क्या करना है, डबल, और ये सेम टू सेम कॉपी करना है आपने, इसको डबल करना है लेफ्ट साइड वाले को, तो लेफ्ट साइड वाले को डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 420, और ये कितना रहेगा, ये सेम टू सेम रहेगा, 297। तो अब आपको हर बार यही करना है, इसको डबल करना है और ये सेम टू सेम कॉपी करना है, ठीक है, तो हर बार यही पैटर्न रहेगा, लेफ्ट वाले को डबल कर दीजिए। तो 297 का डबल कितना होता है, ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में, बच्चों ने सारे बता दिए, कॉलेज तो याद नहीं सर, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए
हाँ तो क्रॉस करिए डबल में, एक को सेम टू सेम लिखेंगे, कोई आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई 2 से करिए, इसका 1 से करिए, ठीक है, तो बता देंगे। तो 297 का डबल कितना होता है, 594, ठीक है, 594 mm, ठीक है। और 420 को सेम टू सेम लिखना है, 420। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम 420 का डबल करिए, 420 का डबल अगर आप करते हो, ठीक है, तो 840 आता है, बस 1 mm एक्स्ट्रा बढ़ा दो, 841 हो जाएगा, ठीक है। इसको सेम टू सेम कॉपी करना है, 594, क्लियर, सिंपल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसका भी डबल करते हो, ठीक है, इसका डबल करिए जरा, इसका डबल क्या हो जाएगा आपका, 1188 हो जाएगा, 1188 को भी 1 mm बढ़ा दो तो 1189 हो जाएगा, ठीक है। इसको सेम टू सेम कर लीजिए, 841। तो ये रहे आपके साइजेस, ठीक है। तो इनको सबको याद नहीं करना है, आपको तरीका सीखना है कि हमने कैसे इसको पढ़ा, ठीक है। जल्दी से A5 का साइज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, A5 का साइज़ बताइए, A5 का साइज़ इस हिसाब से चले तो क्या होगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में A5 का साइज़ बताइए। तो देखो अब यहाँ पर आपको उल्टा चलना है, ठीक है, किसी का डबल होके 297 मिला होगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 148, और ये चीज़ तो सेम टू सेम कॉपी हो रही थी नीचे से, तो ये कितना रहेगा, 210। तो 148 बाई 210 ये किसका होता है, A5 का साइज़ होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो UK SSSC ने पिछली बार पेपर कराया था, ठीक है, उन्होंने आपका A4 साइज़ पूछा था, ठीक है। इसके अलावा A1 साइज़ भी रेगुलरली एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक भी कर देना, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये साइज़ आपको याद रखने हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जितने भी नोट्स अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है, इनको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि इनकी PDF फिलहाल अभी बन नहीं पा रही है, तो वहाँ पर अगर हैंडराइटिंग समझ में ना आई हो, ठीक है, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको निकालना सिखा दिया, ठीक है, कोई भी A4 साइज़ आप करिए, इसको डबल और इसको सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसा करते करते आपके सारे साइज़ मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं U4 की या प्लम्बिंग 4 की, ठीक है। इस तरह का उपकरण आपको दिखा होगा, इसके साथ हम एक लट्टू, लट्टू मतलब साहुल, साहुल मतलब आपका ये प्लम बॉब, ठीक है, तो प्लम बॉब इसके साथ हम बांधते हैं, इस वजह से इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे को क्या नाम दे देते हैं, प्लम्बिंग फोर्क, ठीक है, इसको हम प्लम्बिंग फोर्क हिंदी में साहुल कांटा बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका शेप यू जैसा होता है तो इसका नाम आप यू फोर्क भी बोल सकते हो, ठीक है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन में, ये जो चिमटा आपने देखा, ठीक है, शॉल चिमटा बोल रहे हैं आप उसको, तो इसका यूज़ क्या था, प्लेन टेबल सर्वे में जब आपने कॉलेज में किया होगा, अगर तो अगर आपने क्लास बंक नहीं मारी होगी, तो इसका प्रयोग क्या किया था आपने, कहाँ प्रयोग में लाया था इसे, मतलब क्या यूज़ किया था, बताएंगे जल्दी। ठीक है, सेंटरिंग, नमस्ते विकास, सेंटरिंग में यूज़ किया था, बिल्कुल सही, ठीक है, यहाँ पर सेंटरिंग में यूज़ किया जाता है इसे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको लास्ट टाइम कंपास सर्वे पढ़ाया था, तो मैंने सेंटरिंग की डेफिनेशन ये लिखाई थी कि उपकरण को, ठीक है, सेंटरिंग की डेफिनेशन मैंने क्या लिखाई थी कि उपकरण को स्टेशन के ऊपर स्थापित करना, इस्टेब्लिश द इंस्ट्रूमेंट ओवर द स्टेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं सेंटरिंग की डेफिनेशन आपको ना थोड़ी अलग से लिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर बस आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लम्बिंग फोर्क किस लिए यूज होता है, ठीक है, प्लम्बिंग फोर्क इज यूज फॉर, प्लम्बिंग फोर्क इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग, यूज्ड फॉर सेंटरिंग, ठीक है। अब सेंटरिंग क्या होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, चलो अभी मैं बता देता हूँ आपको रफली। सेंटरिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट रख रहे हो, जहाँ पर आप उपकरण रख रहे हो, ठीक है, तो अब ये एकदम ए स्टेशन के ऊपर आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ड्राइंग में भी तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि सारी रीडिंग कहाँ से नापी जाती है, यहाँ से नापी जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्लम्बिंग फोर्क को ऐसे लगाते हैं, ठीक है, उसका जो ये लट्टू है वो यहाँ टच होता है स्टेशन के ऊपर, और जहाँ पर ड्राइंग शीट में ये पॉइंट आएगा वही हमारा ये ए स्टेशन अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, मतलब जो आपका ए स्टेशन ग्राउंड में है वो ड्राइंग में ए स्टेशन यहाँ पर है, ठीक है। अब जितनी भी रीडिंग्स आप, जितनी भी लाइन्स आप बनाओगे, इस लाइन से बनाओगे, ठीक है, तो इसको हम सेंटरिंग की प्रक्रिया कहते हैं, डेफिनेशन अभी सेटिंग जब आएगा तो वहाँ पर लिखाऊंगा, ठीक है। चलिए
तो आया समझ में? तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि आपका जो साहुल कांटा है, केंद्रीकरण में साहुल कांटा यानी कि प्लम्बिंग फोर का यूज़ होता है, ठीक है? इसको लिख लेना, कहीं हिंदी वाले बच्चे ये ना बोले कि मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है? केंद्रीकरण में आपका प्लम्बिंग फोर्क यूज़ होता है, प्लम्बिंग फोर्क यूज़ होता है, ठीक है? चलो, होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएच कैंडिडेट भी भर सकते हैं, देखो जिन्होंने भी आईटीआई डॉट्समैन किया है वो सब भर सकते हैं। जल्दी से अब आते हैं एलिडेट पे, सबसे मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है प्लेन आपके टेबल सर्वे का, ठीक है, वो एलिडेट होता है। एलिडेट की हेल्प से ही आप अपने ऑब्जेक्ट को साइट करते हो, अपने ऑब्जेक्ट को देखते हो, ठीक है, और उसकी तरफ रेज बनाते हो, उसकी तरफ लाइन बनाते हो, ठीक है। तो इसको मैं एक आसान शब्दों में लिखा देता हूँ कि एलिडेट की सहायता से ही, ठीक है, इसकी हेल्प से ही, इसकी हेल्प से ही हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखकर उसकी ओर ड्राइंग शीट में, ठीक है, उसकी ओर, देखो ये एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं आती तो इसको मैं ऐसे शब्दों में लिखा रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखकर उसकी ओर ड्राइंग में लाइन खींचते हैं, ठीक है, एकदम आसान भाषा में, ठीक है, समझ में आ गया कि इसकी हेल्प से ही हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसकी तरफ लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन एलिडेट या इसको नॉर्मल एलिडेट भी आप कह सकते हो, सामान्य या समतल एलिडेट, और दूसरा होता है आपका टेलीस्कोपिक एलिडेट। इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, ये जो एलिडेट है इसमें टेलीस्कोप लगा होता होगा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा प्लेन एलिडेट को ध्यान से देखते हैं, प्लेन एलिडेट के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। शानू आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, आप जो आपका क्लास की जो YouTube में, वैसे एक फ़ायदा है कि आप वापस पीछे वाला हिस्सा देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में आपका एलिडेट, प्लेन एलिडेट या नॉर्मल एलिडेट आप जिसे कहते हो, ऐसा दिखता है, ठीक है। सभी को क्लियर दिख रहा है, साफ साफ फोटो दिख रही है, चलिए ये थोड़ा चमक रहा होगा पर ये साफ साफ दिख रहा है। तो देखिए इसमें जहाँ पर आप आँख लगाते हो इसे साइट वेन कह सकते हो, ठीक है, क्या कह सकते हो, साइट वेन कहो या आई वेन कहो, ठीक है। नॉर्मली आई वेन जो है वो हम जो आपका थेरोलाइट वगैरह होता है वहाँ पर शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, टेंशन मत लो। और ये है ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है, यहाँ पर आपके क्रॉस हेयर लगा रहता है, घोड़े का बाल लगा रहता है, ठीक है, और आप यहाँ से जब उसको देखोगे तो आपका ऑब्जेक्ट साइट होना चाहिए। अब उसकी तरफ क्या करना है, उसकी तरफ आपने इधर से लाइन खींचनी है ऐसे, ठीक है, ये लाइन खींचनी है ऐसे, बस इतना ही काम करना होता है इसमें, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा दिखता है, लकड़ी का भी आता है और ब्रास यानी कि पीतल का भी आता है, ठीक है, तो वुडन भी हो सकता है और पीतल भी हो सकता है। खैर ये कोई आपसे पूछेगा नहीं, हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना भी कभी कभी घातक हो जाता है, ठीक है, तो हर चीज़ नहीं लिखनी है, जो चीज़ लिखनी होगी वो मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो ये पीतल और लकड़ी मत लिख देना, हाँ, मगर ड्राइंग में डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब जब कॉपी में बनाओगे ना तो इसको बीवल्ड एज बनाना, ठीक है, कॉपी में ऐसे बनाना, ये आपका ऐसे बनना चाहिए, देखो इसको हम बोलते हैं, ये जो आपकी धार बन गई टेढ़ी सी, ठीक है, इसी में आपका स्केल लगा रहता है ऐसे, ये 50 से 60 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, एग्जाम में आता है तो आप 50 सेंटीमीटर टिक लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि कई बुक्स में 45 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, तो ये आपका स्टैंडर्ड साइज नहीं है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब आप अपने यहाँ पर आपका ये आई वेन हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, क्रॉस ईयर हो गया, तो कॉपी में ऐसे बनाना, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये ढालूदार जगह है, ठीक है, तो ढालूदार के लिए एक शब्द यूज़ होता है बीवेल्ड, ठीक है, तो इस एज को आप क्या बोल सकते हो, बीवेल्ड एच बोल सकते हो, ठीक है, बीवेल्ड एच, इंग्लिश में भी आपको यही ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, बीवल, ठीक है, बीवल किनारा, ठीक है, इसी पे तो हम कार्य कर रहे हैं, इसी पे तो लाइन खींच रहे हैं, तो यही हमारा कार्यकारी किनारा है, वर्किंग एज भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है, वर्किंग एज, कार्यकारी किनारा।
और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट नाम इसका आपको ध्यान में रखना है, इसका तीसरा नाम भी है, इसी धार का, इसी एज का तीसरा नाम है फिड्यूशियल एज, फिड्यूशियल एज। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो आपका एलिडेड होता है उसके कार्यकारी किनारे को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसे हम फिड्यूशियल एज कहते हैं, ठीक है, फिड्यूशियल एज कहते हैं। चलिए जल्दी से ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में थम्स अप भी कर लो, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। कितने फॉर्म फिल हुए होंगे अभी तक, ठीक है, अभी तक बच्चों ने मुझे भेजा ही नहीं है, अच्छा मैंने चैट सेक्शन देखा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि बच्चे इतनी गप मार रहे होते हैं कि बार बार नोटिफिकेशन से मैं परेशान हो जाता हूँ, तो मैंने म्यूट कर रखा है आप लोगों का ग्रुप, तो अगर बच्चों ने भेजा भी होगा, चलो मैं आज क्या करूँगा, ठीक है, आज आप क्या करना कि जब मैं एप्लीकेशन में आप लोगों से बातें करने आऊँगा, गप्पे मारने आऊँगा, तब मैं आपसे पूछूँगा अपना एप्लीकेशन नंबर भेजिए, ठीक है, तो उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे बस। आई एम एस आर की ईडी के नोट्स बना लिए ओल्ड लेक्चर से, हाँ बहुत अच्छा किया, ठीक है, ओल्ड लेक्चर का भी आप यूज़ करते रहिए, ठीक है, वो तभी मैंने दिए हैं, तो आपको फिर लाइव क्लासेस के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, आपको ईडी पूरा हो चुका है, बस जो एक दो टॉपिक में एक्स्ट्रा कराऊंगा वो मैं आपको बता दूंगा फिर, ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया। ये क्या है आपका, ये था आपका प्लेन एलिडेट, प्लेन एलिडेट से अब इसमें दिक्कत ये है कि ये टेबल के ऊपर जब ऐसा रखा रहेगा ना, तो मान लो इसकी लाइन ऑफ साइट तो एकदम हॉरिजॉन्टल एकदम क्षैतिज होगी, तो अगर उस लाइन ऑफ साइट के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है और वो मुझे अपनी ड्राइंग शीट में दर्शाना है, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि वो दिखेगा ही नहीं मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरा जो आँख का लेवल है, ठीक है, वो तो आपका प्लेन टेबल का लेवल ये रहेगा, ठीक है, उस पर आप अपने ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी प्लेन एलिडेट में, तो जो लाइन ऑफ साइट से नीचे वाले ऑब्जेक्ट होंगे ना वो नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, तो इसको अगर आप इस पॉइंट को आप बनाना चाहते हो तो आप ऐसे दिखाना कि ये आपका प्लेन टेबल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया प्लेन टेबल, इसके ऊपर अगर मैं एलिडेट रखूँ, ठीक है, इसके ऊपर ये मैंने रख दिया एलिडेट, अब एलिडेट की लाइन ऑफ साइट होती है एकदम हॉरिजॉन्टल, लेकिन नक्शे में यहाँ पर एक कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, नक्शे में ये ए पॉइंट है, अब ये तो इसके लेवल से नीचे हो गया, मुझे दिखेगा ही नहीं, तो मैं प्लेन टेबल में इसको कैसे बनाऊंगा, ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है प्लेन एलिडेट का। तो अब हमें क्या करना होगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसकी लाइन ऑफ साइट झुका सकें, ठीक है, तो जिसकी लाइन ऑफ साइट हम झुका सकें, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक ये देखो नीचे से आपका क्या है, नीचे से रूलर ही है, वो जो स्केल फीता आता है वही है, बस जैसे पीछे था, बस उसके ऊपर क्या लगा दिया, टेलीस्कोप लगा दिया, ठीक है, तो हमने टेलीस्कोप लगा दिया, अब टेलीस्कोप का मदद से आप क्या कर सकते हो, इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट भी कर सकते हो, ठीक है, इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट, ठीक है, फिलहाल अभी इसको इंक्लाइंड साइट ही बोल देते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड साइट यानी कि ऑब्जेक्ट को देख सकते हो झुका कर, ठीक है, झुका कर यानी कि दृष्टि रेखा झुकाई जा सकती है, दृष्टि रेखा झुकाई जा सकती है, किसमें, इसी में झुकाई जा सकती है, क्लियर, सिंपल सा पार्ट है, ठीक है, टेलीस्कोपिक एलिडेट में आप लाइन ऑफ साइट को इंक्लाइंड कर सकते हो, ठीक है, अच्छा थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम को हल्का फुल्का अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, वर्टिकल सर्कल देखने को मिलता है, ये वर्टिकल सर्कल क्या करेगा, इसकी मदद से आप एंगल भी सेट कर सकते हो कि मुझे जो भी लाइन ऑफ साइट आप देख रहे हो उसके बीच में एंगल क्या बन रहा है, ठीक है, वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्लियर, और रूलर एस तो है ही, बाकी ये जो सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, तो कर्नाटक ड्राफ्ट्समैन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया, सॉरी कर्नाटक सर्वेयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पार्ट है वो टेलीस्कोपिक एलिडेट का नहीं है, तो ध्यान रखना अभी उस क्वेश्चन को जब मैं लेके आऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपके पास फोकसिंग स्क्रू है क्योंकि टेलीस्कोप है, वर्टिकल सर्कल है एंगल सेट करने के लिए, टेलीस्कोप है, ठीक है, रूलर तो है होगा ही, ठीक है, और सपोर्ट भी है, तो इसके अलावा अगर कोई पार्ट है तो वो इसमें नहीं होता, क्लियर। चलिए फॉर्म की टेंशन मत लीजिए, अब लास्ट डिजिट क्या है 2776, ठीक है, दो तीन हज़ार ही फॉर्म भरे गए होंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका
इंडियन टेंजेंट क्लिनोमीटर, तो इसका यूज़ आप कर भी सकते हो अगर आपको कहीं पर किसी भूमि का ढाल निकालना है। तो इस डायग्राम को मत बनाना, बस आप इसमें क्या लिख लेना कि इससे ढाल निकाला जाता है, ठीक है। ढाल मतलब स्लोप मेजरमेंट के लिए होता है, ये स्लोप मेजरमेंट के लिए, क्या इंडियन टेंजेंट क्लिनोमीटर, ठीक है। तो सिस्टम इसका यही है, आप इस ये जो बार है इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, और फिर दो पॉइंट्स के बीच में देख के उनके बीच में एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। इसके फॉर्मूले वगैरह सब हमारे सिलेबस से बाहर हैं, ठीक है, आपके बस इसका नाम पता होना चाहिए जो कि माइनर इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा जाता है, ठीक है, पर प्लेन टेबल सर्वे में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इंडियन टेंजेंट क्लिनोमीटर यूज़ होता है स्लोप मेजरमेंट के लिए, ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पिरिट लेवल, ठीक है, स्पिरिट लेवल यानी कि पार्सल भी आप इसको कह सकते हो। स्पिरिट लेवल क्यों यूज़ होगा, ठीक है, स्पिरिट लेवल क्यों यूज़ होगा, तो देखिए स्पिरिट लेवल इसलिए यूज़ होगा ताकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है एकदम हॉरिजेंटल हो सके, ठीक है, टू मेक इंस्ट्रूमेंट हॉरिजेंटल, टू मेक प्लेन टेबल, प्लेन टेबल पैरेलल टू हॉरिजेंटल एक्सिस, या सीधे हॉरिजेंटल लिख दो, टू मेक प्लेन टेबल हॉरिजेंटल, ठीक है, आपका जो समतल पटल है प्लेन टेबल को क्षैतिज बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, प्लेन टेबल को क्षैतिज बनाने के लिए, क्षैतिज बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है, सिंपल, इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, सब क्लास पे भी ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि YouTube का कमेंट सेक्शन भरने के लिए ही नहीं होता, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा क्लास पे भी फोकस करते रहेंगे, जो आगे चीजें चल रही हैं उससे रिलेटेड बात करें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। देखिए 88 सीट है और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, तो अब चाहे 50,000 लोगों ने फॉर्म भरा हो, चाहे 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हो, ठीक है, आपको 88 लोगों को इस पूरी दुनिया में से 88 लोगों को, ठीक है, इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, ठीक है, उन पूरी दुनिया में से 88 लोगों को पछाड़ना है बस, ठीक है, और एक ही सीट लानी है, तो आप इस बारे में भूल जाइए, आप बस अपना बेस्ट रखिए, ठीक है। अगर आप अपनी मेहनत से संतुष्ट हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप ही को अगर लग रहा है कि यार मैं दिन में 10 घंटे सोता हूँ, ठीक है, पढ़ नहीं पाता हूँ, कोई भी रीज़न होगा, घूमता फिरता रहता हूँ, या किसी भी रीज़न की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो फिर उस रीज़न को ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल, महादेव जी को पहला नंबर चाहिए, तो यही स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है, कि फर्स्ट रैंक आ जाए। ट्रफ कंपास की बात करते हैं, द्रोणी दिक्सूचक, ठीक है, द्रोणी दिक्सूचक क्या होता है, इस तरह का आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, दिक्सूचक यानी कि कंपास, कंपास का एक ही यूज़ होता है कि भाई वो नॉर्थ की दिशा बताएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्राउंड में गए और बस ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला काम आपका, ठीक है, जब आप उस इंस्ट्रूमेंट को इस्टेब्लिश कर दोगे और अपने आपका जो स्टेशन है उसे लोकेट कर लोगे ड्राइंग शीट के ऊपर, उसके बाद आप थोड़ा ये भी करना कि एक बार इस ट्रफ कंपास को ऐसे रख लेना, ठीक है, जब आप इसे ऐसे रखोगे तो इसका नॉर्थ आपको इस्टेब्लिश करना है, और जहाँ पर इसका नॉर्थ आएगा तो ड्राइंग में दिखाना पड़ेगा कि भाई नॉर्थ इस दिशा में है, ठीक है। कभी भी जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स करोगे लाइफ में, भविष्य में, तो कोई भी ड्राइंग शीट जब पकड़ी जाती है तो नॉर्थ की दिशा में रख के ही हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है, नॉर्थ की दिशा बहुत ज़रूरी होती है, और हमेशा आपने देखा भी होगा कि ड्राइंग शीट पे साइड में बना भी होता है, अगर आपने कुछ बड़े प्रोजेक्ट देखे होंगे तो वहाँ पे नॉर्थ की दिशा बनी रहती है हर एक ड्राइंग शीट के ऊपर, ठीक है, तो हर एक नक्शे के ऊपर बनी रहती है, क्लियर, और उसी से आप कोई भी सर्वे का काम शुरू कर सकते हो, ठीक है, या कोई भी किसी काम को शुरू करने के लिए जो फ्रंट मिलता है उसी की मदद से मिलता है। हाँ, अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो स्केल है, ठीक है, ये जो आपका ट्रफ कंपास है, इसको कॉपी में बना लेना कुछ ऐसा, ठीक है, कॉपी में बना लेना, इससे देखो एंगल उंगल वगैरह मेज़र नहीं होंगे, ये बस नॉर्थ इस्टेब्लिश करने के लिए हैं, ठीक है, नॉर्थ इस्टेब्लिश करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन हिंदी में बोलेंगे दिक्स्थापन, दिक्स्थापन, हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें टेक्निकल टर्म्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद होनी चाहिए, दिक्स्थापन के लिए। तो ये हम क्या करते, दिक्स्थापन का मतलब क्या है, नॉर्थ शो करने के लिए, ठीक है, नॉर्थ में
इंस्ट्रूमेंट को ले जाने के लिए। आगे मैं लिखाऊंगा इस डेफिनेशन को, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है आप देख रहे हो, ये नीडल हो गई, ये मैग्नेटिक नीडल हो गई, लंबाई हो गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें ग्रेजुएशंस भी बनी रहती हैं, लगभग ये 0 डिग्री यहाँ पे होगा, फिर आपका डायरेक्ट यहाँ पे 5 डिग्री लिखा होगा, यहाँ पे 5 डिग्री लिखा होगा, ठीक है। तो 5 डिग्री तक के ग्रेजुएशन भी इसमें बने रहते हैं, ठीक है, अंशांकन बने रहते हैं। खैर उनका हमें कुछ करना भी नहीं है क्योंकि हमें एंगल तो मेज़र करना नहीं है, ठीक है। एंगल मेज़र करना होता तो कंपास या दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते, ठीक है। यहाँ पर हमारा काम है सिर्फ नॉर्थ को इस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो नॉर्थ दर्शाने के लिए या नॉर्थ में उपकरण को लाने के लिए हम इस द्रोणी दिक्सूचक का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देखो करना क्या है, आपको बस कंपास के ऊपर इस जो आपका प्लेन टेबल है उसके ऊपर कंपास रखना है और तब तक प्लेन टेबल को घुमाते रहना है जब तक इसकी जो सुई है एकदम नॉर्थ की तरफ ना आ जाए, ठीक है। चलो क्लियर, आगे बढ़ें, ठीक है। तो क्लास भी समझ में आ रही है कि कमेंट्स में आप लोग आपस में बातें करते रह रहे हो। सिविल ड्राफ्ट्समैन अप्लाई कर सकते हैं, सोहित रावत जी सिविल ड्राफ्ट्समैन ही अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज़ ये हो गया, ठीक है। और अब मेरे ख्याल से वो फॉर्म की डेट कुछ दिनों में ख़त्म भी हो जाएगी, कोई बताएगा फॉर्म की डेट क्या है? मेरे ख्याल से 7 फरवरी है ना, ठीक है। तो फॉर्म की डेट अब जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो जिन भी बच्चों ने भरा नहीं है, ठीक है, वो अब ज़्यादा आलस न दिखाएं और फॉर्म भर लें। ट्राइपॉड की बात करते हैं, ये भी एक मुख्य भाग होता है लेकिन इसको कोई खास इज्जत दी नहीं जाती तो हम भी नहीं देंगे, ठीक है। ट्राइपॉड के ऊपर ही आपका इंस्ट्रूमेंट लाई करता है, एग्जाम में आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि ट्राइपॉड भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल ना के बराबर है हमारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलो तो इसको नमस्कार करके सीधे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवाइज में आपको बता देता हूँ क्या पढ़ा हमने। ट्राइपॉड पढ़ा, ट्रफ कंपास पढ़ा, ट्रफ कंपास पढ़ा नॉर्थ में इंस्ट्रूमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए, उस प्रक्रिया को ओरिएंटेशन कहते हैं, दिक स्थापन कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा स्पिरिट लेवल यानी कि पांडसल, इस ये क्यों यूज़ होता है, ताकि आपका इंस्ट्रूमेंट एकदम हॉरिजेंटल हो सके, एकदम लेवल पे आ सके, ठीक है। और इंडियन टेंजेंट क्लिनोमीटर, इसकी ज़रूरत पड़ती है स्लोप वगैरह अगर निकालना हो इंक्लाइन सर्फेसिस के लिए, ठीक है। टेलीस्कोपिक एलिडेट, अगर आपको अपनी लाइन ऑफ साइट को इंक्लाइन करना है तो टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा महंगा आएगा, वरना सस्ता तो आ ही रहा है आपका, वो है आपका प्लेन एलिडेट, ठीक है। प्लेन एलिडेट की जो धार होगी ये किनारे वाली, इसको बीवेल्ड एज बोल सकते हैं, वर्किंग एज बोल सकते हैं, फिड्यूशियल एज बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इससे पहले हमने आपको प्लम्बिंग फोर्क बताया था, यू फोर्क बताया था, ये सेंटरिंग के लिए होता है, ठीक है। और लास्ट में आपका ड्राइंग शीट के साइजेस मैंने आपको लिखा दिए और प्लेन टेबल का साइज़ मैंने आपको बता दिया, ये 750x600 वाला याद रखना है, कोई भी वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, कभी कभी 600 पहले लिखा होता है, 750 बाद में लिखा होता है, ठीक है। चलिए तो एक बार सबको ये समझ में आ गया, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए एक बार यस बोल दीजिए कि समझ में आ गया। किस अच्छा ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और लिख देना, ठीक है। अगर कभी आपसे वैसे लकड़ी पूछेगा नहीं क्योंकि लकड़ी अलग अलग यूज़ हो जाती है, फिर भी टीक बहुत मजबूत मानी जाती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और लिख दो कि जो वुड होनी चाहिए, ठीक है, वुड, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा है आर्मी लवर ने, ठीक है, कि जो लकड़ी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना इसमें आपकी जो लकड़ी होनी चाहिए ये वेल सीजनड होनी चाहिए, ठीक है। वेल सीजनड का मतलब क्या होता है, सीजनड, SEASONED, ठीक है, हिंदी में हम इसे कहते हैं अच्छी तरह से संशोषित, संशोषित, ठीक है। अच्छा सीजनड का मतलब क्या होता है कि उसमें नमी की मात्रा कम होनी चाहिए, ठीक है, नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर भी 10-12% नमी की मात्रा किसी भी लकड़ी में जो हम इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं रह जाती है, ठीक है। अगर लकड़ी का नाम होता है तो नॉर्मली टीक मजबूत लकड़ी मानी जाती है इसके लिए, तो टीक की लकड़ी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मगर आपको किताबों में 2-3 लकड़ियों के नाम शायद देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो लकड़ी होनी चाहिए वो वेल सीजनड
मतलब अच्छी तरीके से संशोषित होनी चाहिए। संशोषित का मतलब होता है कि उसके अंदर जो नमी होती है, जब हम लकड़ी काटते हैं शुरू शुरू में तो लकड़ी के अंदर नमी पाई जाती है पेड़ में, ठीक है। तो उस नमी को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम सीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए टीक देवदार, मैंने बोला कि टीक देवदार, ठीक है, ये सब नाम आपको किताबों में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो इनकी बनी हो सकती है, क्लियर। चलो आगे बढ़ें, तो वेल सीजन्ड होनी चाहिए जो भी लकड़ी आप यूज़ करते हो। तो ये मैंने आपको सारे इंस्ट्रूमेंट लिखा दिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, ठीक है। क्या एडवांटेज होगा आपके इस, ये जो हम प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, इसके एडवांटेज क्या हैं, एडवांटेज बताएंगे, क्या एडवांटेज होंगे इसके। तो सिंपल है, ठीक है, एडवांटेज सबसे पहला तो यही है कि आप प्लॉटिंग और ऑब्जर्वेशन साइमल्टेनियसली कर ले हो तो एरर के चांसेस, जो त्रुटियों के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा आपका एडवांटेज यही है। तो चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए अपने नेक्स्ट, वो है आपका एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे यानी कि प्लेन टेबल सर्वे के जो आपके लाभ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यही हो गया, साइटिंग एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली, ठीक है, यानी कि आपको साइटिंग और प्लॉटिंग, ठीक है, पीछे मैं आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है, आपकी साइटिंग प्लॉटिंग एक साथ होती है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है हिंदी में, एक साथ की जाती है, ठीक है। दूसरा, इसी वजह से आप जब ऑफिस के काम में निर्भर नहीं करते तो ये थोड़ा तेज हो जाता है, यानी कि रैपिड वर्क हो जाता है, ठीक है। आप शुरू सुबह जाओगे और शाम को सीधे आपका नक्शा बना हुआ आएगा घर पे, ठीक है। जबकि बाकी काम में क्या होता है, आप बस रीडिंग लेते रहते हो फील्ड में, फिर ऑफिस में भी जाना है, फिर उसमें काम भी करना है, ड्राइंग भी बनानी है, ठीक है। चलिए अच्छा, बाकी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, थियोडोलाइट की बात करते हैं तो उसमें ये सस्ता पाया जाता है, ठीक है, और एरर और मिस्टेक बहुत आसानी से आप चेक कर लेते हो, जो भी नक्शा आपका बना है वहाँ पर चेक लाइन या प्रूफ लाइन डाल के, ठीक है, चेक लाइन या प्रूफ लाइन डाल के, जांच रेखा डाल के, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज हैं, तो एडवांटेज थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। टेबल की थिकनेस भी आप देखोगे तो 15 से 25 एमएम की रेंज होती है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइज आपको नहीं मिलेगा, 15 से 25 एमएम टेबल की थिकनेस है, ठीक है। तो अगर आपको पीछे लिखना होगा तो आप 15 से 25 एमएम लिख देना, ठीक है, 15 से 25 एमएम। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है, उसमें भी आप रेंज डालनी पड़ेगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है भाई, डिसएडवांटेज क्या है, तो देखिए अगर बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो ड्राइंग शीट भीग जाएगी, आप खुद भीग जाएंगे, प्लेन टेबल भीग जाएगा, तो ड्राइंग शीट जब मतलब बारिश के टाइम में आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो वेट क्लाइमेट में काम नहीं हो पाएगा। अब मान लो घने जंगल के बीच में प्लेन टेबल सर्वे कर पाओगे, नहीं, क्योंकि आपको पॉइंट ही नहीं दिखेंगे, पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, ठीक है, तो घने जंगल के बीच में भी आप नक्शा नहीं बना पाओगे। तो अगर वुडेड कंट्री होती है या वेट क्लाइमेट होता है, ठीक है, तो आप वहाँ पर इस काम को नहीं कर पाओगे, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर एक चीज़ नहीं होती, ठीक है, हमने देखो मैंने आपको अभी तक सिर्फ ये लिखाया कि आपको एक प्लम्बिंग फोर्क चाहिए, एक प्लेन टेबल चाहिए, एक ट्राईपॉड चाहिए, ठीक है, एक आपको क्या चाहिए, एलिडेट चाहिए, ठीक है, एक आपको क्या चाहिए, बबल ट्यूब चाहिए, ठीक है, और आपको ये द्रोणी कंपास, ट्रफ कंपास चाहिए, ये तो मैंने आपको लिखा दिया, ड्राइंग शीट चाहिए, और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पेंसिल, रबर, ठीक है, टेप नहीं लिखाया, टेप भी तो चाहिए क्योंकि टेप से ही तो मेजरमेंट होगा, ठीक है, बाकी छाता, बारिश हो गई, ठीक है, तिरपाल, ये सब भी होता है, ठीक है, पानी की बोतल, जूस की बोतल, खाना पानी सब ले जाना होता है। तो इतना सारा सामान जब आप ले जाओगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी आएगी, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेज इसका यही है कि नंबर ऑफ़ एक्सेसरीज यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ एक्सेसरीज यानी कि जो आपके सहायक उपकरण हैं उनकी संख्या अधिक होने के कारण ये आपका एक थोड़ा सा मतलब परेशान करता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यानी कि एक दो आदमी की बस की बात नहीं है, सह परिवार जाना पड़ेगा प्लेन टेबल सर्वे करने के लिए, ठीक है। कॉलेज में भी आपने देखा होगा कि 4-5 लोग मिलके काम करते हैं। अब सेटिंग अप प्लेन टेबल की बात करते हैं, ठीक है, अभी मैं पूरा प्रोसेसर भी आपको बताऊंगा कि इसमें काम कैसे किया जाता है, ठीक है। अब चलिए ये हमने इंस्ट्रूमेंट ले आए, अभी तक मैंने आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए हैं, इंस्ट्रूमेंट ले आए, ठीक है, अब हम साइट पे ले जाते हैं इनको, ठीक है, साइट पे ले जाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये आपका
ट्राईपॉड कुछ इस तरीके से ज़मीन के अंदर धंसा दिया, ठीक है, और इसके ऊपर एक बॉल बियरिंग लगी होती है, ठीक है, क्या लगी होती है, बॉल बियरिंग, ठीक है। इस बॉल बियरिंग की खास बात यह होती है कि एक बार जैसे आपने इसके ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट को लगा दिया, ठीक है, अब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ऊपर नीचे ऐसे चारों दिशाओं में घुमा सकते हो, ठीक है, उससे डांस पूरा करा सकते हो इस बॉल बियरिंग की हेल्प से, ठीक है। और जब आपका इंस्ट्रूमेंट एकदम हॉरिजेंटल हो जाएगा तब इस बॉल बियरिंग को कस देना, ठीक है, मतलब पूरा घुमा सकते हो, बॉल है नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं कि नट पेन से टाइट कर दिया, आप उसे पूरा घुमा सकते हो, बॉल लगी रहती है नीचे, क्लियर। चलिए, तो ये आपने क्या कर दिया, प्लेन टेबल को सेटअप कर दिया। अब सबसे पहला काम क्या है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेटिंग अप, सेटिंग अप भी आप इसको बोल सकते हो और टेम्पररी एडजस्टमेंट भी आप इसको कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, ठीक है, टेम्पररी एडजस्टमेंट, ठीक है, हिंदी में होता है अस्थाई समंजन, अस्थाई समंजन। अब आपको याद होगा मैंने आपको क्या लिखाया था जब कंपास सर्वे पढ़ाया था, ठीक है, कि प्रिज्मेटिक कंपास की बात होगी तो पहले सेंटरिंग होगी, फिर लेवलिंग होगी और फिर फोकसिंग होगी, मगर यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो होगा यहाँ पर बबल ट्यूब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगा, बबल ट्यूब का प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले यहाँ पर लेवलिंग होगी, ठीक है, सबसे पहले क्या होगी यहाँ पे, लेवलिंग होगी। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप यह है कि प्लम्बिंग फोर्क लाएंगे और उसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है, प्लम्बिंग फोर्क लाएंगे ऐसे लगाएंगे और जो जहाँ पे आपका स्टेशन आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर एक आप वुडन पैग गाड़ दो, ठीक है, यहाँ पर गाड़ दो वुडन पैग। अब जितनी भी मेजरमेंट आप लोगे ना किसी भी पॉइंट की, वो इस वुडन पैग से लोगे और जब ड्राइंग में आपको दिखाना होगा तो इस पॉइंट को दिखाओगे। तो अगर मैं इसको ए नाम दे दूँ तो इसको हमें स्मॉल ए या कैपिटल ए डैश नाम देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ग्राउंड में जो स्टेशन था उसको मैंने ड्राइंग शीट में दर्शाया, ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं सेंटरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटरिंग की डेफिनेशन पहले वालों से थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेप होगा वो क्या होगा, सेंटरिंग। तो पहले लेवलिंग हो रही है और फिर सेंटरिंग हो रही है, ठीक है, सभी बच्चे समझ रहे हैं। चलिए क्लियर। और फिर थर्ड स्टेप की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे टेलीस्कोप वगैरह है नहीं तो फोकसिंग वगैरह तो नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको नॉर्थ की, क्योंकि अब लेवल भी हो गया, अब आप इसे घुमा भी सकते हो, इधर उधर घुमाओगे तो लेवल रहेगा, ठीक है। सेंटरिंग में ये वाला पॉइंट से ही आप स्टेशन रीडिंग लोगे, ठीक है, क्योंकि अब आप क्या कर सकते हो, ओरिएंटेशन कर सकते हो, मतलब आप नॉर्थ की तरफ इसको ला सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आप जितनी भी रीडिंग बनेंगी वो यहीं से बनती है, वो अलग बात है कि जब आप ऐसा करते हो तो ये पॉइंट खिसक सकता है और खिसक भी जाता है, ठीक है, लेकिन उससे अब मतलब नहीं रहता, ठीक है। अब वो ड्राइंग में जितनी भी चीज़ें बनेंगी ना वो पैरेलल बनेंगी, इसी स्टेशन के पैरेलल बनेंगी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगला जो स्टेशन है, अगला जो प्रोसेस है वो है ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन। तो क्योंकि ये पूरी एक क्लासरूम है, ठीक है, तो मैं आपको स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सबकी डेफिनेशन भी लिखाऊंगा भले ही टाइम लग जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखा रहा हूँ लेवलिंग, ठीक है, लेवलिंग को हिंदी में हम कहते हैं समतलन, समतलन, ठीक है। लेवलिंग प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लेन टेबल, प्लेन टेबल पैरेलल टू हॉरिजेंटल प्लेन भी लिख सकते हो आप, ये सीधे हॉरिजेंटल लिख दो, प्लेन टेबल हॉरिजेंटल, ठीक है, यानी कि जो आपका समतल पटल है, ठीक है, समतल पटल को क्षैतिज करने की प्रक्रिया। चलिए आया समझ में, ठीक है। कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे, तो भाई लेवलिंग के लिए हर जगह सिर्फ बबल ट्यूब का ही यूज होता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय यूजिंग बबल ट्यूब, बाय यूजिंग बबल ट्यूब, ठीक है, बबल ट्यूब हिंदी में पान सल का प्रयोग करके। अब हिंदी वालों को ना इंग्लिश भी याद होनी चाहिए और हिंदी भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बबल ट्यूब, लेवल ट्यूब जो बोलना है बोल लो, ठीक है, बबल ट्यूब का प्रयोग करके, क्लियर। तो ये थी हमारी लेवलिंग की डेफिनेशन, ठीक है।
क्लास टोटल कितनी क्लास चलेंगी, ठीक है। क्लासेस तो अभी ये वाली जो क्लास है ठीक है वो तो चलते रहती है, वैसे हमारा जो बैच है वो काफ़ी समय से शुरू हो गया था, समय पहले। क्लास अभी चलेगी ठीक है, क्लास अभी चलेगी तो काफ़ी टाइम चलेगी, अभी तो टाइम लगेगा। अभी वैसे भी एक घंटा ही हुआ है हमें, 2 घंटे तो डेली हम पढ़ते ही हैं। चलिए लेवलिंग की बात ये ख़त्म होती है, दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा सेंटरिंग, ठीक है। सेंटरिंग ठीक है, हिंदी में आप भले ही इसको केंद्रीकरण बोलना लेकिन थोड़ी डेफिनेशन इसकी इस बार अलग है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या है, इस बार मैं पिछली बार मैंने आपको लिखाया था कि उपकरण को स्टेशन के ऊपर स्थापित करने की प्रक्रिया, इस बार मैं आपको डेफिनेशन थोड़ी अलग लिखा रहा हूँ कि जो आपका उपकरण है ठीक है, जो स्टेशन है ग्राउंड स्टेशन, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेशन को, ग्राउंड स्टेशन को ड्राइंग शीट में दर्शाने की प्रक्रिया, ड्राइंग शीट में दर्शाने की प्रक्रिया, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ग्राउंड स्टेशन, एस्टैब्लिशिंग ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन ओवर द ड्राइंग, ठीक है, ओवर द ड्राइंग, क्लियर। ये होती है सेंटरिंग की डेफिनेशन। डायग्राम भी बना देना, डायग्राम भी जरूरी है ठीक है, डायग्राम बना देना कि ये भाई हमारा एक प्लेन टेबल था ठीक है, ट्राईपॉड में लगा हुआ था ठीक है। फिर हमें तो ड्राइंग शीट में दिखाना था कि भाई अब जो मैं लाइनें बनाऊंगा कहाँ से बनाऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक प्लम्बिंग फोर्क लाया ठीक है, उसका प्लम्ब ऑफ जहाँ पे नीचे टच हुआ उस पर रेंजिंग, उस पर हमने एक प्लम्ब ऑफ गाड़ दिया, सॉरी ये क्या बोलते हैं, वुडन पैग, पैग गाड़ दिया ठीक है। और इसका नाम अगर ए है तो ड्राइंग शीट में इस पॉइंट पे जहाँ पे ये टच होगा इसको हमने ए नाम दे दिया। जितनी भी रीडिंग्स हैं वो यहाँ से नापी जाएंगी ठीक है, और जितनी भी आपकी लाइनें हैं वो यहाँ से बनाई जाएंगी, क्लियर। तो इस ये जो आपने ग्राउंड स्टेशन को ठीक है, ये क्या था, ग्राउंड स्टेशन ठीक है, तो ग्राउंड स्टेशन जमीन में जो स्टेशन था उसे आपने ड्राइंग शीट में दर्शा दिया, इस प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया, इसे हमने सेंटरिंग बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। सभी बच्चों के समझ में आ रहे हैं? सर आप टोटल कितने चैप्टर पढ़ाओगे? वैसे तो अब आगे चल के यहाँ पे कोई ना कोई क्लासेस आते रहेंगी ठीक है, वैसे ये जो रेगुलर क्लास है वो ऐप में चलती है। हाँ, प्लेन टेबल सर्वे समझ में आ गया आप सभी को? ख़त्म नहीं हुआ अभी, अभी सिर्फ सेंटरिंग ख़त्म हुआ, ओरिएंटेशन बचा हुआ है ना ठीक है। क्या बोला था मैंने, 3 प्रोसेस होती हैं, सबसे पहले लेवलिंग है, फिर सेंटरिंग है, अब ओरिएंटेशन है ठीक है। चलिए ओरिएंटेशन का मतलब समझते हैं। तो ओरिएंटेशन का मतलब बस ये है कि जो आपने ये बॉल बियरिंग के ऊपर जो आपने ये अपना इंस्ट्रूमेंट रखा है ठीक है, उसको आप ऐसे खिसकाइए ताकि उसकी दिशा नॉर्थ हो जाए ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या रहेगी, ओरिएंटेशन ठीक है। ओरिएंटेशन में हम क्या करने वाले हैं, अपने ओरिएंटेशन दिक स्थापन जिसे कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट को ऐसे घुमाएंगे हिलाएंगे, उसकी दिशा नॉर्थ की तरफ करेंगे ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ रिवॉल्विंग अ प्लेन टेबल अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस इन ऑल लाइंस ऑन द शीट बिकम्स पैरेलल टू करस्पॉन्डिंग लाइंस ऑन द ग्राउंड इज नोन एज ओरिएंटेशन ठीक है। एक समतल पटल को उसकी ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घुमाने की प्रक्रिया, जिसे शीट पर सभी रेखाएं जमीन पर संगत रेखाओं के समानांतर हो जाती है ठीक है। तो अगर देखो ये प्रोसेस क्या हो गई, ये तो बाद वाली प्रोसेस हो गई ठीक है ओरिएंटेशन की। सबसे पहले डेफिनेशन आप ये लिख लो ठीक है कि उपकरण को नॉर्थ की तरफ स्थापित करना ठीक है, इस्टेब्लिशिंग या आप ये बोल सकते हो ओरिएंट या घुमाना ठीक है। रिवॉल्विंग प्लेन टेबल, रिवॉल्विंग प्लेन टेबल, प्लेन टेबल टुवर्ड्स, टुवर्ड्स नॉर्थ ठीक है। हिंदी में उपकरण को या टेबल को ठीक है, प्लेन टेबल को, प्लेन टेबल को उत्तर दिशा की ओर लाना ठीक है, उत्तर दिशा की ओर लाना ठीक है। तो जब उत्तर दिशा की ओर आएगा तभी तो आप अपना ड्राइंग का काम शुरू कर पाओगे, पहली चीज़ ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अब मान लो ठीक है आपकी ड्राइंग्स पहले से बनी हुई है
ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या करते हो, प्लेन टेबल को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हो कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल दिख जाए, जो फील्ड में जो लाइन है वो ड्राइंग शीट के पैरेलल दिखना शुरू हो जाए, तो उसको भी ओरिएंटेशन ही कहोगे। यानी कि कुल मिला के आप उपकरण को घुमा रहे हो तो नॉर्थ में लाने के लिए उसे हम ओरिएंटेशन ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर किस उपकरण का यूज़ होता है, तो बाई यूजिंग ट्रफ कंपास, ठीक है। ट्रफ कंपास हिंदी में इसे बोलते हैं द्रोणी दिक्सूचक, द्रोणी दिक्सूचक, ठीक है। सिंपल ट्रफ कंपास का यूज करके आप अपने इंस्ट्रूमेंट को नॉर्थ की दिशा में ला सकते हो, ठीक है। क्लियर, अब ये समझ में आया, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप, अब देखो ये तो पहले दिन का काम होता है, जब आप क्या करोगे, जब आप पहले दिन क्या करते हो फील्ड में जाते हो तो इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रफ कंपास की हेल्प से नॉर्थ की तरफ लाते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा जल्दी काम करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, जो पुराना पॉइंट था उस पे ही वापस देख सकते हो और अपने इंस्ट्रूमेंट को वापस घुमा सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं बाई बैक साइटिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं बाई बैक साइटिंग, ठीक है, बाई बैक साइटिंग। ओरिएंटेशन जो होता है, ठीक है, पश्चावलोकन करके भी हो सकता है, पश्चावलोकन, पश्चावलोकन करके भी हो सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को, क्लियर। तो आप ओरिएंटेशन दो तरीके से कर सकते हो, सेंटरिंग से मतलब ट्रफ कंपास से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा मैं बैक साइटिंग का मतलब आपको समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा देखिए, ट्रफ कंपास तो सीधी सीधी समझ में आ गया कि प्लेन टेबल के ऊपर आप अपना कंपास रखिए और नॉर्थ की दिशा में घुमाते रहिए इंस्ट्रूमेंट को जब तक आ ना जाए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दूसरा आपने लिखा बैक साइटिंग का मतलब, उसका मतलब देख लो जरा, बैक साइटिंग, ठीक है। तो होता क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ठंडे दिमाग से, ठीक है। YouTube वाली पढ़ाई आजकल क्या होती है, जल्दीबाजी वाली पढ़ाई होती है, ठीक है। उसमें ना पढ़ाने वाले को पेशेंस है ना पढ़ने वालों को पेशेंस है, ठीक है। इसलिए एप्लीकेशन में मैं आराम से एक एक चीज़ें लिख लिख के पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि YouTube में पढ़ाऊँगा तो फिर जाहिर सी बात है उस चीज़ में आज की डेट में आप सभी जानते हैं कि सबको जल्दी लगी है, ठीक है। अब तो आयोग को भी जल्दी लगी है, एक महीने दिया आप लोग के पेपर के लिए। चलो बातें नहीं करते, टाइम पास वाली बातें करते रहेंगे बाद में, मैं बैक साइटिंग बता रहा था आपको, ठीक है। अब देखिए, मान लो मेरा जो नॉर्थ है वो किधर है, इधर है, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ थोड़ा छोटा करके, ये मेरा नॉर्थ है इस दिशा में, तो मेरी ड्राइंग भी इसी दिशा में रही होगी और मैंने सारा जो कुछ बना दिया वो इस दिशा में रह के बना दिया, ठीक है। और फील्ड में ये पॉइंट ए था, ठीक है, एक्चुअल में ये पॉइंट क्या है, ए है। अब होता क्या है, प्लेन टेबल सर्वे में ऐसा नहीं कि चलो भाई आज का काम पूरा हुआ अब चलो जाओ, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको उपकरण उठा के दूसरी जगह ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ का काम तो क्या हो गया, यहाँ का काम पूरा हो गया, ठीक है। अब प्लेन टेबल सर्वे में ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से कहीं पर भी ले गए, आपको पहले इस ड्राइंग शीट में, ये ट्राइपॉड है, ठीक है, इस ड्राइंग शीट में दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं उधर जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने दोस्त को, प्रिय मित्र को बोलोगे कि जा रेंजिंग रॉड पकड़ के खड़ा हो जा, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ठीक है। और फिर आप, तीसरा दोस्त भी है क्योंकि सब परिवार ये काम करना पड़ता है आपको, ठीक है, तो तीसरा दोस्त क्या करेगा, दो दोस्त टेप भी तो पकड़ेंगे, तो उसने ये नाप लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मान लो ये 100 मीटर का है, ठीक है। मान लो मेरा स्केल जो है वो एक मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब एक मीटर आप ऐसे समझो, ठीक है, जो मेरा एक सेंटीमीटर है, ठीक है, वो 10 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर किसके बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, इसको याद रखना, ये सब कॉपी में मत लिखना, ठीक है, बस समझ लो। अब देखो, अपने दोस्त को आपने भेजा कि रेंजिंग रॉड लेके वहाँ पे खड़े हो जा, दो दोस्त आपके, एक यहाँ पे बैठा हुआ है टेप का एक हिस्सा पकड़ के, एक यहाँ पे बैठा हुआ है टेप का एक हिस्सा पकड़ के इस पॉइंट पे, ठीक है। वो आपके, उसने बताया रीडिंग कितनी आ गई, 100 मीटर, एक आप हो यहाँ पे, ठीक है, जो महान कार्य कर रहे हो प्लेन टेबल सर्वे का, और आपने एलिडेट की मदद से किसको देखा, रेंजिंग रॉड को देखा और उसकी तरफ एक रे बनाई 10 सेंटीमीटर की, कितनी दूर थी ये, 100 मीटर, तो 100 मीटर ड्राइंग में कितना बनाना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपने दिखा दिया क्या, बी पॉइंट दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप इसको उठाओगे और यहाँ पर ले जाओगे बी पॉइंट पे, ठीक है,
और जब आप इसे बी पॉइंट पे ले जाओगे, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी रख दो, कोई जरूरत इच्छा मतलब जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन ये जो आपने ए बी लाइन बनाई है ये पहले से इसमें ड्रॉ होगी, ठीक है, ये पहले से इसमें आपकी ड्रॉ होगी, ठीक है। तो मान लो ये ऐसे बन गई, यहाँ पे ए बी लाइन कैसे बन गई, ऐसी, ठीक है। तो बस करना क्या है, एलिडेट को यहाँ पर रखिए और अपने उपकरण को तब तक घुमाते रहिए। अब इस ये जो आपका दोस्त है रेंजिंग रॉड वाला, इसको वापस ए पे भेजो, ठीक है। तो एलिडेट को तब तक आप यहाँ पे इस लाइन पे अलाइन करके रखिए और इंस्ट्रूमेंट को घुमाइए तब तक जब तक आप ए पॉइंट के साथ मैच ना कर जाओ। जब ऐसा होगा तो आप पाओगे अपने आप ही आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो पहले जैसा हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और ये लाइन ऐसी बन जाएगी ए बी, बस आप जो जो भी रीडिंग है वो बी से लोगे, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं पश्चावलोकन विधि, ठीक है, बाई बैक साइटिंग। तो आपने क्या किया, बिना कंपास के आपने उपकरण को बस पीछे देख के ओरिएंट किया, घुमाया, और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है नॉर्थ की दिशा में आ गया, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बैक साइटिंग, ठीक है। तो एक बार यस बोल दीजिए, समझ में आ गया, इस तरीके से दिखाना पड़ा। अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं ट्रेड डीएमसी, तो क्या मुझे अभी यूके टीपीसी ड्राफ्टिंग की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, वैसे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कब निकल जाता है पता नहीं चलता, फिर भी आप जिस जिस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, आपके स्टेट में जो जो वैकेंसीज आती हैं और सेंट्रल में जो जो वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, उसके लिए आप पहले ही किसी दिन संडे को जब फ्री होते हैं तो आप पहले ही ज़रा नेट पे सर्च मारिए कि कौन कौन से स्टेट के एग्ज़ाम आप भर सकते हैं, कौन कौन से सेंट्रल के एग्ज़ाम भर सकते हैं और किस उम्र तक आप भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आप कॉलेज में, ये सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। आजकल क्या होता है कि जो बच्चे कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, एक दो साल नौकरी करते हैं, उसके बाद धक्के खाने के बाद सोचते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। तो इससे बेहतर यह है कि आप अपने आप की अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। जब आप 2 साल बाद कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आप पहले से तैयार होंगे, ठीक है, 2, 3, 4, 5 एग्जाम आप दे चुके होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो हो सकता है कि कॉलेज, आजकल की डेट में यही हो रहा है, आजकल की डेट में बच्चे कॉलेज के टाइम से ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो कॉलेज के टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता से, कॉलेज से बाहर निकले हैं, सफलता मिल जा रही है, ठीक है। अभी 2 साल से मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था जो SSC JEE के लिए तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो उसने सेकेंड ईयर से तैयारी करना शुरू कर दिया था, तो और वो अपनी क्लास का टॉपर भी रहा फिर, क्योंकि वो जो कुछ यहाँ पे पढ़ता था वहाँ उसके अच्छे मार्क्स आते थे कॉलेज में, ठीक है। तो 2 साल तक उसने अच्छे से तैयारी की, फिर थर्ड ईयर में, मतलब अभी कॉलेज उसका पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, और आराम से वो प्री और मेंस दोनों निकाल के बैठा हुआ है SSC JEE का, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह का गाइडेंस आपको मिलता है, ठीक है। अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो आपको आज के जो आपका कंपटीशन का ज़माना है उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने तब से नहीं पढ़ा वो, आप जब जागो तब सवेरा, ठीक है। बस ये रहता है कि पढ़ाई एकमात्र ऐसी चीज़ है, ठीक है। देखिए, हर चीज़ तजुर्बा मांगती है, हर चीज़ एक्सपीरियंस मांगती है, ठीक है। अब कहीं पर आप जब जॉब लेने जाओगे ना, तो जॉब में आपको बोला जाएगा कि भाई 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ाई की बात करोगे ना, तो पढ़ाई में ये है कि अगर मान लो कोर्स आपने 3 महीने में पूरा कर लिया, ठीक है, तो बाकी जो 3 महीने हैं उसमें अगर आप दोबारा रिवाइज करते हो, ठीक है, तो आप डबल एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक बच्चा जो कोर्स 1 साल में पूरा करता है, ठीक है, ऐसे भी बच्चे हैं जो पूरा इंजीनियरिंग का कोर्स कंपटीशन के लिए 1 साल में पूरा करते हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जो 6 महीने में 2 बार कर लेते हैं। तो कौन ज़्यादा तजुर्बे, 6 महीने वाला ज़्यादा तजुर्बेदार है, 1 साल वाला कम तजुर्बा है इसमें, ठीक है। पढ़ाई के मामले में आप अपना तजुर्बा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आप आराम से अगर हार्डवर्क करोगे और प्रीवियस पेपर के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते, ठीक है। इतना समझ में आ गया, जल्दी से बताइए, यस तो बोलो, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है। मोहन और कुलदीप ने यस बोला, बस चलो आगे बढ़ें, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिए, टेम्पररी एडजस्टमेंट बता दिए, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे वो बता दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड्स की, ठीक है, हम बात करते हैं मेथड्स की। कौन कौन सी विधियाँ इसमें प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तरह की विधियाँ होती हैं। सबसे पहले तो आप रेडिएशन का काम करते हो, ठीक है, फिर आप इंटरसेक्शन भी कर सकते हो अगर आप फील्ड में काम करोगे तो, ट्रेवर्सिंग भी होते रहती है क्योंकि आपकी सीरीज बनती रहती है कनेक्टेड लाइंस की, और रिसेक्शन होता है, ठीक है। 4 विधियाँ होती हैं। अब आप सोचोगे ये अलग अलग विधियाँ हैं, नहीं, जब आप एक टाइम पे सर्वे करते हो तो चारों की चारों अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है, कंडीशनल है वैसे कि अगर आपको जरूरत है तो नहीं है।
तो ये चारों विधियाँ एक ही बार में आप यूज़ कर रहे होते हो जब आप फील्ड में काम करते हो, ठीक है। तो चलिए तो एक एक विधि को देखते हैं, किसी में आपको थोड़ा देखना होगा, किसी में ज़्यादा देखना होगा, ठीक है। वैसे मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से वो मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़ लो और फिर आप कोई भी क्वेश्चन लगाओगे प्लेन टेबल सर्वे के तो सब हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मेथड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो मेथड में हमारे पास चार तरह के मेथड होते हैं प्लेन टेबल सर्वे में। सबसे पहला आपका मेथड है रेडिएशन, विकिरण। अब मैं समझा रहा हूँ इसमें होता क्या है, ठीक है। दूसरा मेथड है ट्रेवर्सिंग, तीसरा मेथड है रीसेक्शन और चौथा मेथड है इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर नीचे लिख लेना क्योंकि पहले मैं आपको इंटरसेक्शन पढ़ाऊंगा, बाद में रीसेक्शन बताऊंगा, ठीक है। तो रेडिएशन मेथड में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मेथड हम करते हैं रेडिएशन। अब आपको यहाँ पे समझना होगा क्योंकि मैं आपको इन थ्योरीज को नहीं लिखाना चाह रहा, ठीक है, जो मुझे लगता है। ठीक है, देखिए, हाँ कहाँ पे थे हम, पहला मेथड रेडिएशन, ठीक है। हिंदी में हमने क्या बोला उसे, विकिरण, रेज, किरणें बनाना। रेज किरणें बनाने का मतलब यहाँ पे सूर्य की किरणी ही नहीं होगी, मैथ्स में भी जब आप ज्योमेट्री में पढ़ते थे तो रे बोला जाता है ना, रे, ठीक है। तो रेज मतलब लाइन बनाना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका प्लेन टेबल सर्वे है, ये आपका प्लेन टेबल है, सॉरी प्लेन टेबल है ये। इधर से आप ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है। मान लो यहाँ पर ड्राइंग में आपको फील्ड में ए पॉइंट दिख गया, बी पॉइंट दिख गया, कोई पेड़ दिख गया, सी पॉइंट दिख गया, कोई स्कूल का पॉइंट दिख गया, ठीक है, कुछ ई पॉइंट दिख गया। तो बस क्या करना है, इनकी तरफ आपको लाइनें बनानी है एलिडेट की सहायता से, ठीक है। तो इनकी तरफ देखो, आपको डिस्टेंस भी नापनी पड़ेगी, वो कहाँ से नापोगे आप, ठीक है, जो इसके नीचे ए पॉइंट आएगा। तो सबकी डिस्टेंस आपको नापनी पड़ेगी, क्लियर, सबकी डिस्टेंस आपको नापनी पड़ेगी। और इनकी तरफ, ठीक है, इनकी तरफ आप बस क्या करिए, लाइंस बनाइए, ठीक है। अब स्केल में चेंज करके, मान लो ये लाइन थोड़ी छोटी होगी, ठीक है, तो आप छोटी बनाओगे, थोड़ी ये बड़ी होगी तो बड़ी बनाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप ड्राइंग शीट में, ठीक है, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हो। तो ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या कर रहे हो आप लाइंस बना रहे हो, ठीक है। ये क्या है, रेज आर ड्रॉन, रेज मतलब लाइंस, आर ड्रॉन टूवर्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनको आप दिखाना चाहते हो, ऑब्जेक्ट्स टू बी शोन, ठीक है। हिंदी में भी लिख लेते हैं कि जिन वस्तुओं को, ठीक है, जिन वस्तुओं को नक्शे में दर्शाना है, नक्शे में, देखिए चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेना, ठीक है। वस्तुओं को नक्शे में दर्शाने, जिन वस्तुओं को नक्शे में दर्शाना है, ठीक है, उनकी ओर, उनकी ओर देखकर ड्राइंग में लाइन बनाने की, लाइन मतलब रेखा खींचने की, तो लाइन लिख देता हूँ, ठीक है, लाइन बनाने की प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, इसी को हम रेडिएशन कहते हैं, ठीक है, यही आपका रेडिएशन है। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आ गया, ठीक है। इसी की मदद से रेडिएशन से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिटेल प्लॉटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेल्ड प्लॉटिंग, डिटेल्ड प्लॉटिंग, ठीक है, अधिक से अधिक प्लॉटिंग, ठीक है, प्लॉटिंग लिख दूं, समझ जाएंगे सब, अधिक से अधिक प्लॉटिंग करने के लिए, ठीक है, विकिरण विधि यूज होती है। देखिए विकिरण विधि
यूज होती है, प्रयोग होती है, प्रयोग। चलिए इतना समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन आ सके आप, अच्छा कौन सी बेस्ट बुक है? चलिए अभी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, ठीक है कोई बात नहीं, कॉलेज में किसी की पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, सब कॉलेज से बाहर निकलते हैं तभी पढ़ना शुरू करते हैं, ये सबके हाल हैं। ठीक है, हाईवे से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? ठीक है, देखिए आपका 100 नंबर का पेपर है, मेजोरिटी सर्वे की है, तो सर्वे को आप 50 से 60% मान सकते हो कि 50-60% आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बचता है 10 से 15 क्वेश्चन आपके शायद इंजीनियरिंग ड्राइंग से आ जाएँ, तो हाईवे से मैक्सिमम आपके 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5-6 शायद आपके इससे रेलवे से आ जाएं, ठीक है, तो बाकियों का जो, लेकिन क्योंकि आपका सिलेबस में जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो कम है, ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो सब कम से कम 10% का वेटेज रखते ही रखते हैं, ठीक है, तो सभी के सब इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेडिएशन। अब बात करते हैं अगला मेथड, ठीक है, अगला मेथड आपका है ट्रेवर्सिंग, ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है माला रेखन, ठीक है, ट्रेवर्सिंग, इसमें हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे माला रेखन, ठीक है, क्या होता है इसमें, तो इसमें आपकी सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन्स बनती हैं, ठीक है, यानी कि रेखाओं की श्रृंखला बनती है। आपने देखा कि कैसे हम प्लेन टेबल सर्वे में भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उछल के नहीं जाते, ठीक है, तो यहां पर भी क्या बनती है, रेखाओं की श्रृंखला बनती है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इस तरीके से आप जा रहे हो, तो इसको ट्रेवर्सिंग बोलते हैं। तो ये कार्य भी आपको देखने को मिलता है जब आप प्लेन टेबल सर्वे करते हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ट्रेवर्सिंग भी एक पार्ट है इस मेथड में, ठीक है, तो दोनों समझ में आ गए, रेडिएशन मतलब लाइंस बनाना, ठीक है, और ट्रेवर्सिंग मतलब जो जो सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस बन रही है, ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन, ठीक है, इंग्लिश में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, यह है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड है। चलिए ठीक है, अभी आप लोगों के कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, अभी फिलहाल मैं पढ़ा लेता हूं। प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि भाई आपने, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप किसी पॉइंट पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो आप तो स्टूडेंट के पास खड़े हैं, दो बंदे और हैं जो टेप लेके घूम रहे हैं आपके फील्ड में, ठीक है, तो ये जो टेप लेके घूम रहे हैं ये इसलिए घूमते हैं क्योंकि टेप से नापते हैं दूरी, एक पॉइंट को आपको यहाँ पे कितना बनाना है। अब मान लो दूर कहीं पहाड़ों के बीच एक टावर है, क्या है, एक टावर, बीच में जंगल ही जंगल है, बस आपको दूर से दिख रहा है टावर, और इतना बड़ा टेप भी नहीं है हमारे पास कि हम वहाँ तक जाएं, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, अगर कोई पॉइंट इनएक्सेसिबल हो, ठीक है, मतलब जहां तक पहुंचा ना जा सके, उसको अगर आपको दर्शाना हो तो आप इस इंटरसेक्शन मेथड का यूज कर सकते हो। कैसे, आप ऐसा करोगे कि सबसे पहले तो आप किसी एक पॉइंट से, मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट से आप एक लंबी सी लाइन खींच लो, ठीक है, किसकी ओर, टावर की ओर, ठीक है, ये आपने लंबी सी लाइन खींच ली किसकी ओर, टावर को देख के, ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट को उठा के किसी और लोकेशन पे ले जाते हैं, तो मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये हमने आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसको उठाकर ये बी पॉइंट पे हमने रख दिया, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करिए, देखो हर एक चीज़ की फोटो दिखाना सही नहीं है, इससे आपकी इमेजिनेशन पावर कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, तो इसको भी अगर मैं किताबी वाली फ़ोटो खींच के यहाँ पर रख देता तो फिर समझ में आएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, इसको जब आप यहाँ पर ले गए होंगे तो ये ड्राइंग तो आप बना चुके हो ना, तो ये आपको पहले से बनी हुई मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, ये अब क्या किया, अब आप B पे खड़े हो गए हो, ठीक है, अब जब आप B पे खड़े हो और फिर से B से एलिडेट से किसको देखिए, टावर को देखिए, तो जब आप टावर को देखोगे तो ये जो आपकी रेज है, जब ड्राइंग इसकी तरफ लाइन बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपस में टकराएगा,
तो देखो बिना टावर पे गई जहाँ पर ये टकराए, यही हमारा टावर है, ठीक है। तो बिना टावर तक गए, आपने अपने नक्शे में क्या दिखा दिया, टावर दिखा दिया। अब आप चाहो तो यहाँ से स्केल से जो आपका 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है उससे ये डिस्टेंस नाप लो, और जब उसे आप स्केल में चेंज करोगे मैप के, तो आप ओरिजिनल डिस्टेंस भी बता सकते हो, जो एक्यूरेट तो नहीं होती मगर अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस आप बता सकते हो कि ये टावर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नॉर्मली आप नक्शे से देखो, अभी तो गूगल मैप डायरेक्ट बता देता है, पर नक्शे से लोग कैलकुलेट कर देते हैं कि नक्शे में आपका यहाँ से यहाँ तक अगर 15 सेंटीमीटर है तो उसको इस स्केल में चेंज करके ओरिजिनल डिस्टेंस निकाल देते कि ये डिस्टेंस इतनी हो सकती है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है कि ओरिएंट इंटरसेक्शन में हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, टू प्लॉट इन एक्सेसिबल पॉइंट्स इंटरसेक्शन मेथड इज़ यूज, ठीक है, मेथड इज यूज्ड, ठीक है। हिंदी में भी लिख लेते हैं कि जिन बिंदुओं तक पहुंचा ना जा सके, इनएक्सेसिबल, ठीक है, पहुंचा ना जा सके, उन्हें ड्राइंग में दर्शाने के लिए इंटरसेक्शन मेथड का प्रयोग किया जाता है, विधि प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। तीनों मेथड समझ में आ गए, सबसे पहला था रेडिएशन, ठीक है, दूसरा था ट्रेवर्सिंग, और तीसरा है आपका इंटरसेक्शन मेथड, टू प्लॉट इनएक्सेसिबल पॉइंट्स ऑन ड्राइंग शीट, ठीक है। ऐसे पॉइंट जो जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते उनको दर्शाने के लिए, ठीक है, सिंपल। इतना समझ में आ रहा है, सबके समझ में आ रहा है ना, ठीक है, थम्सअप भी करते रहो ताकि मुझे समझ में आए। कोई पॉइंट अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ लेना, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस हैं तो सबको पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। जब एप्लीकेशन में लाइव क्लास चलती है तब तो तुम लोग इतने गप नहीं मारते चैट सेक्शन में, जब यूट्यूब में चलती है तो बस धड़ाधड़ मैसेज पे मैसेज, ठीक है। ऐप में तो आप लोग पूछते रहते हो कि सर ये समझ में नहीं आया ये बता दो, यूट्यूब में आप लोग अपने आप में एक दूसरे से गप्पे मारने लगते हो। चलिए अगला मेथड है रीसेक्शन, ठीक है। रीसेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, रीसेक्शन हिंदी में अंतरछेदन। देखिए आप फील्ड में कहां पर हो, इंस्ट्रूमेंट, उसको ड्राइंग शीट में दर्शाने की प्रक्रिया को ही हम रिसेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ओवर द ड्राइंग। ठीक है, उपकरण को ड्राइंग शीट में स्थापित करने की प्रक्रिया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये डेफिनेशन तो सुनी सुनी सी लग रही है, थोड़ी देर पहले ही हमने सेम टू सेम ये लाइन लिखी थी, किसमें लिखी थी ये लाइन थोड़ी देर पहले सेम टू सेम प्लम्बिंग फोर्क जब आपने यूज़ किया था, ठीक है। तो प्लम्बिंग फोर्क में आपने क्या किया था, जो ग्राउंड स्टेशन था उसको ड्राइंग शीट में स्थापित किया था, ठीक है। अब देखो प्लम्बिंग फोर्क का यूज़ तब होता है जब एकदम नई नवेली ड्राइंग शीट होती है, एकदम साफ सुथरी, तब फील्ड में कहीं पर भी जा लो, कहीं से भी काम कर लो। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब आज का काम खत्म हो गया, और अच्छा ड्राइंग शीट में जब तक फील्ड में काम कर रहे थे तब तक बैक साइटिंग, मतलब किसी और पॉइंट में जाना था तो वापस पिछले पॉइंट को देखना पड़ता था, ठीक है, बैक साइटिंग करनी पड़ती थी ताकि हम अपनी लोकेशन चेंज करें तो ड्राइंग शीट में पहले दिखा दें उसको, ठीक है। तो ये काम सही चल रहा था, मस्त चल रहा था, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि अब रात हो गई, ठीक है, अब रात को घर भी जाना है, खाना भी खाना है। अब क्या होता है,
आज मैंने पूरा काम कर लिया, जितने जितने पॉइंट्स मुझे प्लॉट करने थे वो दिन भर मैंने प्लॉट कर लिए। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? अब जब मैं कल आऊँगा काम करने, तो या तो भाई आपके पास ये ऑप्शन है कि जहाँ पर काम ख़त्म किया है, ठीक है, रात को वहाँ पे एक पत्थर छोड़ देना ताकि अगले दिन सुबह वहीं से काम करना पड़े, ठीक है, आए समझ में? कि क्योंकि आप सीरीज़ नहीं तोड़ सकते, आप ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, ठीक है, अब सी से डी पे गए, तो आप हर एक चीज़ नक्शे में दिखाते हो कि जब पोजीशन चेंज होती है तब भी आप दिखाते हो कि मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है, सब चीज़ नक्शे में दिखाते हो, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये कि जब आप कल यहाँ आओगे, ठीक है, तो या तो आप कल यहीं से शुरू करिए, पत्थर छोड़ दो, अगर किसी बंदर ने पत्थर हटा दिया तो ड्राइंग का तो कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि एक दिन में जितना काम हो सकता है आप कर लेते हो एक जगह से, अब दोबारा इस साइट में नहीं आना आपने। अब आप जाओगे तो किसी, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के आगे का काम आपने कर लिया पूरे दिन भर, अब आप जाओगे कल आओगे तो कल फिर से यहीं से काम करना शुरू करोगे, अब आप बिल्डिंग के पीछे से, अब पीछे की प्लॉटिंग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप नई शुरुआत करते हो, अगले दिन आते हो, तो अगले दिन आप देखोगे तो ड्राइंग शीट में भाई पेड़ भी बना हुआ है, स्कूल भी बना हुआ है, ठीक है, टेम्पल भी बना हुआ है, ये सब बना हुआ है। अब जब मैं बिल्डिंग के पीछे जाऊंगा तो अब मैं कहाँ पर रखूँ, ठीक है। अब आप डायरेक्ट प्लम्बिंग फोर का यूज़ नहीं कर सकते कि कहीं पर भी दिखा दिया और वहीं से रीडिंग खींच ली, क्योंकि अब आपका नक्शा ना बन चुका है, उसमें जगहें फिक्स हो गई हैं। अब आपका ये एरिया है, तो अगर आप ग्राउंड में जाते हो इस एरिया में, तो पता कैसे चल जाएगा कि मैं खड़ा हूँ इस एरिया में? ये तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर हो गया, ठीक है, ये स्कूल हो गया, ये पेड़ हो गया। अब आपको पता तो है कि भाई आप इसके बीच में खड़े हो, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर हो, एग्जैक्टली नहीं पता ना मैं, एग्जैक्टली किस पॉइंट पे खड़े हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली अगर आप जाते हो आपकी पोजीशन क्या हो, तो उसके लिए आपको रिसेक्शन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। रिसेक्शन मेथड में आप क्या कर सकते हो, रिसेक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है, आप कंपास द्वारा कर सकते हो, खैर वो हमारा सिर्फ फर्स्ट प्रोसेस का होता है, ठीक है, तो रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय कंपास बोल सकते हो, रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय बैक रे का मतलब क्या था, बैक साइटिंग लिखा था पीछे, ठीक है, इसको बैक साइटिंग कर देना, वरना बैक रे का मतलब भी आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो तब है जब पहले दिन आप साइट में जा रहे हो, लेकिन जब आप अगली बार अगले दिन जाते हो तो पहले से ड्राइंग शीट में चीज़ें बनी होती हैं, इसलिए आपको जो पहले से दो पॉइंट आपने ड्राइंग शीट में बना रखे हैं उनकी हेल्प से अपनी नई लोकेशन ढूंढनी पड़ती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टू पॉइंट मेथड, रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय टू पॉइंट, पूरा नाम तो ये है, और सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं टू पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है, द्विबिंदु समस्या, ठीक है। और अगर आप तीन पॉइंट की हेल्प से अपनी इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन इस्टेब्लिश करते हो ड्राइंग शीट में, तो उसे बोलते हैं थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ये शुरू का जो छोटा मोटा काम होता है बैक साइटिंग वाला, ये सब तो पहले दिन तो सही लगता है, अगले दिन जब आप आओगे तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन, ये पूरा शब्द होता है, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है, आप ये बोल सकते हो कि द्विबिंदु से दिक्स्थापन के बाद हमने अंतर छेदन किया, ठीक है, रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय टू पॉइंट, ठीक है। आसान शब्दों में आप इसे बस क्या लिख दो, टू पॉइंट प्रॉब्लम और थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, इनकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो बस आपको इतना लिखना है कि जब पहले से दो पॉइंट बने हुए होते हैं ड्राइंग शीट में और फील्ड में हम उनकी मदद से अपनी लोकेशन बताते हैं, तो उस पॉइंट, उस मेथड को बोलते हैं टू पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। ये थोड़ा टीडियस होता है, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है और एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं आते, ठीक है। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम थ्री पॉइंट प्रॉब्लम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। थ्री पॉइंट प्रॉब्लम में हम तीन बिंदु की हेल्प से अपनी लोकेशन फाइंड करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इनकी डेफिनेशन भी थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको लिखा देता हूँ, टू पॉइंट प्रॉब्लम और थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो टू पॉइंट प्रॉब्लम हिंदी में होगा द्विबिंदु समस्या, बस अब क्लास थोड़ी देर की ही है, द्विबिंदु समस्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोकेशन ऑफ पोजिशन ऑफ प्लेन टेबल ऑफ द स्टेशन ऑक्यूपाइड बाई प्लेन टेबल बाई मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टू टू वेल डिफाइंड पॉइंट हुज पोजिशन हैव बीन प्रीवियसली प्लॉटेड इन द प्लान, ठीक है। समझ में नहीं आया तो बता देता हूँ कि जो पूर्व आप स्थापित कर चुके हैं बिंदु, ठीक है, तो दो पूर्व स्थापित बिंदुओं की सहायता से, बिंदुओं की सहायता से
यदि सहायता से ड्राइंग शीट में, ठीक है, ड्राइंग शीट में उपकरण की स्थिति दर्शाई जाती है, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं टू पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है, या पूरा नाम इसे बोल सकते हो, ठीक है, रीसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय टू पॉइंट, ठीक है। तो टू पॉइंट प्रॉब्लम में दो पॉइंट हमने पहले से बनाए हैं, उनकी हेल्प से हम अपने इंस्ट्रूमेंट की स्थिति को ड्राइंग शीट में दर्शाते हैं जब हम पहले से बनी हुई ड्राइंग लेके फील्ड में जाते हैं, ठीक है। और अगर दो पॉइंट की जगह आप तीन पॉइंट का यूज़ करते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो सेम डेफिनेशन है, ठीक है, उसमें जहाँ पर आपने क्या लिखा है, जहाँ पर आपने दो लिखा है, ठीक है, थ्री पॉइंट प्रॉब्लम में आप इसको तीन कर देना, ठीक है। चलो क्लियर, तो दोनों की डेफिनेशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो पॉइंट की मदद से आप इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हो तो टू पॉइंट प्रॉब्लम, और तीन पॉइंट की मदद से कर रहे हो तो थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, अब ये सब ना प्रैक्टिकल वर्क है, और प्रैक्टिकल वर्क ना आपको थोड़ा यहाँ पे समझाने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि उसमें एजम्पशन पावर थोड़ी बहुत ज़्यादा चाहिए कि आपको समझ में आए कि आप ए पॉइंट से बी पे जा रहे हो, बी से सी पे। तो खैर, हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब थ्री पॉइंट प्रॉब्लम में मैंने डेफिनेशन आपको लिखा दी है, ठीक है। थ्री पॉइंट प्रॉब्लम में आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो तीन बिंदु समस्या होती है, ठीक है, इसमें आपको समय कम लगेगा, ठीक है, आपकी जो मेहनत है, लेबर है, ठीक है, मेहनत कम लगेगी और परिशुद्धता अधिक होगी और ये ज़्यादा सिंपलर, मतलब आसान होगा टू पॉइंट प्रॉब्लम से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए थ्री पॉइंट प्रॉब्लम का ही हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे तीन बिंदु लेते हैं बस, ठीक है, तीन पहले से पूर्व स्थापित बिंदुओं की मदद से अपने इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन ड्राइंग शीट में दर्शाई जाती है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है, त्रिबिंदु समस्या, ठीक है, क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। और आज का लास्ट स्लाइड यही रहेगा, ठीक है। थ्री पॉइंट प्रॉब्लम में आपको प्रैक्टिकल वर्क दिखाई देगा, ठीक है, ग्राफिकल मेथड होता है थ्री पॉइंट प्रॉब्लम में, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है और मैकेनिकल मेथड होता है, ठीक है। तो ये जो जितने भी प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल वर्क हैं, तो इसके लिए अगर मैं आपको प्लेन टेबल के साथ समझाऊं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, मगर ये आपकी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि हमें एक नक्शा बनाना पड़ेगा, फिर दो पॉइंट पहले से बना दिखाने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर क्या होता है वो पढ़ें, ठीक है, फिर भी यहाँ से जो मुख्य क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा कि आपके इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो तो एप्लीकेशन में मैं आपको करा दूंगा कि मेन क्वेश्चन आपको क्या ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फिर भी अभी तक जितना हमने पढ़ाया, आपको ध्यान में रखना है कि थ्री पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर आपके ये तीन मेथड आते हैं, ग्राफिकल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड और मैकेनिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड की बात हम करें तो ग्राफिकल मेथड का दूसरा नाम याद रखना है, बेसेल्स मेथड भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें चतुर्भुज बनता है, क्वाड्रिलेटर बनता है। ट्रायल एंड एरर की बात हम करें तो ट्रायल एंड एरर सबसे एक्यूरेट मेथड होता है, भले ही उसका नाम ट्रायल एंड एरर है मगर एक्यूरेट एंड फास्ट भी होता है, ठीक है। हाँ, मगर एक दो बार आपको ट्राई मारना पड़ता है, ट्राइंगल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड, इसका दूसरा नाम याद रखना है लेमान्स रूल या लेमान्स मेथड, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेसिंग पेपर मेथड को दूसरा नाम क्या है, तो ट्रेसिंग पेपर मेथड को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल मेथड। तो इन तीनों मेथड में तीन पॉइंट की हेल्प से हम लोकेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास रीसेक्शन के अंदर टू पॉइंट प्रॉब्लम है और फिर उसके बाद थ्री पॉइंट प्रॉब्लम है, और थ्री पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला है आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि आप इसे बोल सकते हो, इसका दूसरा नाम है बेसेल्स मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसका दूसरा नाम है लेमन्स मेथड, लेमन्स रूल भी आप इसे कह सकते हो। ये सबसे एक्यूरेट और फास्ट होगा
परिशुद्ध होगा, ठीक है। और लास्ट मेथड है यांत्रिक विधि, यानी कि मैकेनिकल मेथड। इसको ट्रेसिंग पेपर हम इसमें यूज़ करते हैं, ट्रेसिंग पेपर जिसमें आर पार दिखता है, ठीक है, और उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट को घुमाया जाता है, ठीक है, जब तक लाइनें मैच ना हो जाए ट्रेसिंग पेपर की और ड्राइंग की, ठीक है। तो इस मेथड में हम ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम ट्रेसिंग पेपर मेथड है, ठीक है। चलिए, तो आज हमने इस क्लास में प्लेन टेबल सर्वे की क्लास में जितना भी पढ़ा, ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ोगे मोर देन सफिशिएंट है। अब आप चाहे एई का एग्ज़ाम दो, चाहे जेई का एग्ज़ाम दो, चाहे आईटीआई का दो, चाहे ड्राफ्ट्समैन का दो, चाहे सर्वेयर का दो, ठीक है, सब आपका इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर कल मैं आपको थोड़ा सा लेमन्स मेथड के अंदर एक दो डेफिनेशन लिखाऊंगा ट्राइंगल की और ग्रेट सर्कल की, उसकी बस डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये सब प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, समझाने में भी टाइम लगता है, ठीक है। और 2D फिगर में समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, मैंने कई बार बच्चों को ट्राई किया, ठीक है, तो फील्ड में तो बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन इस थ्योरी क्लास में प्रैक्टिकल वर्क समझ में नहीं आ पाता, ठीक है। तो खैर, अगर आप डिप्लोमा कॉलेज वाले बच्चे हो और उनको तो एग्ज़ाम में लिखना होता है, तो मैं एप्लीकेशन में वो क्लास अलग से डालूंगा, ठीक है, जिसमें मेथड में आपको पूरा लिख के बताऊंगा ताकि वो एग्ज़ाम में पास हो जाएं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बस इनके नाम सफिशिएंट है, ठीक है। जो कॉलेज की कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको तो पूरा लिखना पड़ता है आंसर, कि कैसे कैसे मेथड है, एक्सप्लेन आता है ना वहाँ पे, एक्सप्लेन रहमान मेथड, ठीक है, तो उनके लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अब बस आपका काम ये होता है कि आपने प्लेन टेबल सर्वे के सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, बाकी मैं भी आपको सॉल्व करा दूंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास कैसी रही, इतना ही है प्लेन टेबल सर्वे में, ठीक है। बस अब मैं आपको एक सेशन और लूँगा इसमें, ठीक है, उसमें मैं आपको थोड़ा एक दो पॉइंट और बता दूंगा ग्रेट सर्कल और फिक्स के बारे में, ठीक है। और कल से हम हाईवे शुरू करेंगे, ठीक है, तो इसका जो MCQ सेशन है वो अभी हम बाद में डालेंगे, ठीक है, MCQ सेशन अब इसका बाद में होगा, क्लियर। तो कल से आपकी जो चलेगी वो हाईवे चलेगी, ठीक है, हाईवे एप्लीकेशन के अंदर 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में, ठीक है। और अब तो संडे भी आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ संडे को 2 लेक्चर ले लूँ, ठीक है। चलो, तो जितने भी बच्चे जुड़े रहे, आज का सेशन पसंद आया, ठीक है, तो अभी आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो आपके मैंने बोला है कि उसको मैं MCQ के साथ कराऊंगा, ठीक है, तो जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स हैं उसे MCQ के साथ कर लेंगे, या तो कल ही कर लेंगे, ठीक है, आज के लिए मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। तो एक बार आप इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, तो एप्लीकेशन के अंदर ही हम कल की क्लास करेंगे, तो कल मैं आपको इसके MCQ भी करा दूंगा और ये फिक्स वाला जो पोर्शन है वो भी करा दूंगा और हाई वे भी साथ में शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो, अब खुश IMSRK, हाँ, थोड़ा सा ऑटोकैड के लेक्चर में तभी डाल पाऊंगा, जैसे मैं इन सब में अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि फिर मैं साथ में ही पढ़ाऊँगा बच्चों को, तो उसी केस में मैं फिर नए लेक्चर ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, एक बार एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन भेज दूंगा, ठीक है। ऑटोकैड का 2 लेक्चर हैं, उसमें तीसरा लेक्चर जैसे मैं रेगुलर क्लास में जब ऑटोकैड लाऊंगा, ठीक है, तब आप लोगों को पढ़ा दूंगा, चलिए, ठीक है। तो थोड़ा फॉर अ चेंज हाईवे रेलवे बीच में घुस गया, ठीक है, तो हाईवे रेलवे जो अमीन वाले स्टूडेंट्स अभी पेड कोर्स में, पहले हाईवे रेलवे कर देंगे जैसे आप लोग बोल रहे थे, ठीक है, उसके बाद फॉबिस सर्वे में आ जाएंगे और जो आपका लेवलिंग और कंटूरिंग वाला पोर्शन है उसे ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ही सिलेबस बचा हुआ है, उसके बाद हाईवे रेलवे कंटूरिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका जितना BMC ऑटोकैड इंजीनियरिंग ड्राइंग बचा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो जितने भी बच्चे बोल रहे थे 1 महीना लग जाएगा, 1 महीना नहीं लगेगा, ठीक है, टेंशन मत लो। एग्ज़ाम से पहले काफ़ी दिन पहले, ठीक है, आपको आराम से 7-8 दिन पेपर की तैयारी करने के लिए, नोट्स रिवाइज करने के लिए, MCQ जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसे सॉल्व करने के लिए 7-8 दिन मिल जाएंगे, ठीक है, तो सफिशिएंट टाइम है। चलो, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अब हम मिलेंगे कल, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जुड़े रहे, सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि अपने दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कर लेना, ताकि थोड़े बहुत आप लोग मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा सको, ठीक है, इतना प्यार तो आप दो ही देना मुझे। चलो, तो सभी गुड बाय बोल दो एक बार, ठीक है, तो मैं भी ऑफलाइन होता हूँ, फिर घर चलते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसने पुराने लेक्चर से कर लिया, ठीक है, उसने थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ाए, कम की गुंजाइश नहीं होगी इसमें।
आई एम पहाड़ी, मैंने 5 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत थैंक यू सो मच। अगर ऐसे ही हर एक स्टूडेंट 5-5 सब्सक्राइबर बढ़ाते रहे तो जल्दी मेरे 50,000 हो जाएंगे। वैसे 50,000 तो नहीं, अभी मैं 24,000 तक पहुँच चुका हूँ। टेंशन मतलब प्रशांत, लेवलिंग भी होगा, ठीक है, सब अपने टाइम पे हो जाएगा, तो आप इस बात की टेंशन मत लो। ठीक है, हमें तो सारा ही पढ़ना है, ठीक है, एक दो टॉपिक अगर आगे पीछे पढ़ते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर पढ़ना हमें सारा ही है। तो फॉर अ चेंज, ठीक है, बीच में टेस्ट बदलने के लिए मैं दूसरा सब्जेक्ट ला रहा हूँ इसमें। चलो ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन में डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब एप्लीकेशन में मिलते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े रहे सबका धन्यवाद। ठीक है प्रशांत, मैंने देख लिया, लेवलिंग करा दो पहले, ठीक है, तो करेंगे फिर लेवलिंग ही कर लेंगे, एक बार एप्लीकेशन में देख लेते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, आई एम पहाड़ी। चलिए धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए।